गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि ओम ज्ञानतिमिरामृतस्य ज्ञानांजनशलाकया तथा तेज कर सकते हो चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आजानुलम्बितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रिपरम उक्तिकं करतले करीचकङ्कणं सर्वाङ्गहरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितविजयते गोपालचूडामणि भजामि राधाङ्गवरविन्दनेत्रां स्मरामि राधाङ्गमधुरस्मितास्यां बदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम न्यास्ते गतिर्न क्वापि भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तासि कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ जय गोसाई करी चरण बंदन जहा हित विघ्ननाश अभीष्ट पुराण तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतम स्वरूपम जम प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान त्वस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सौनकाद ऋषि ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न की थी। छह प्रश्न में पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी और दूसरी प्रश्न
कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय किया है, जिसके उत्तर में श्री सुत गोस्वामी बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनाम नृप निर्णित हरि नामानुकीर्तनम। बोले एतत् निर्विद्यमानानां, बोले जो लोग ये संसार से ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हैं, दूसरे व्यक्ति जो जीवन में अभय पाना चाहते हैं, और जो तीसरा चीज है, जितने ऋषि मुनि सब के सब एक ही बात बताए, सारे शास्त्रों को मंथन करते हुए कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक ही उपाय है, हरे नामानो कीर्तनम। इसलिए जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बोले कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिरि नार उत रहि पारा, सुमिरि नार उत रहि पारा, कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा। बोले कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान का नाम, यहाँ पर ये केवल शब्द आया। केवल मतलब कलयुग में अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम को छोड़ करके अगर कोई ज्ञान, कोई योग, कोई तपस्या, कोई ध्यान के लिए अगर कोई चेष्टा करे तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी केवल शब्द प्रयोग किया। और हमारे बृहद नारदीय पुराण में वहाँ पर भी बताया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। यहाँ पर भी पहला लाइन में भी हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम तीन बार बताए, और दूसरे लाइन में नहीं नहीं नहीं, इसलिए त्रिसत्य करके बताए। कलयुग में ठाकुर जी के नाम के सिवाय और कोई गति नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र, इहा जप गया सबे करिया निर्बंध, इहा है ते सर्व सिद्धि है वे सवार। महाप्रभु कहते हैं मैंने तुम लोगों को ये हरिनाम दिया है, ये हरिनाम को जप किया करो, इसलिए ये हरिनाम से किया होगा। बोले हरिनाम से तुम्हें सर्व सिद्धि, सर्व सिद्धि मतलब क्या, भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति इसी हरिनाम से ही होगा, और कोई कलयुग में कोई विधि नहीं। मना महाप्रभु भी ये बात को मना किया है। एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, इसको याद रख लेना। बोले एक समय ये जो सत्य त्रेतया द्वापर कल ये चार भाई है, देखो मैं जितनी कथा सुनाता हूँ ना सब अच्छे तरह से याद कर लेना, आप दूसरों को भी कथा सुना सकते हो। देखो जो टीचर है ना किसको स्टूडेंट नहीं बनाता है, क्या करता है, टीचर सबको टीचर बना देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं महाप्रभु का क्या भविष्यवाणी है, महाप्रभु का भविष्यवाणी है एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी के गांव गांव में शहर शहर में गली गलियों में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी सर्वत्र गूंजेगा। एक समय किसने प्रभुपाद बोले, बोले प्रभुपाद अगर जो हरि नाम प्रचार कर रहे हो अगर ये गांव गांव में प्रचार होता ना बहुत बढ़िया होता। प्रभुपाद निकला गांव गांव, मैं तो सोच रहा हूँ घर घर में हरि कीर्तन प्रचार। बोले घर घर नहीं, प्रभुपाद कहते हैं हर एक व्यक्ति को हम भगवान का मंदिर बनाना चाहता हूँ।
गांव गांव में नहीं, शहर शहर में नहीं, घर घर में नहीं, वो कहते हैं एक हर एक व्यक्ति को हम भगवान की मंदिर बनाना चाहता हूँ। जैसे आप लोग जो तिलक लगाए ना, ये हरि का मंदिर है, जो तिलक लगाए हो ये भगवान की मंदिर है सबके सब। ये प्रभुपाद की इच्छा थी और महाप्रभु का यही इच्छा है सर्वत्र ये हरि कीर्तन प्रचार हो। इसलिए महाप्रभु स्वयं बोले, बोले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा ए गुरु हैया तार ए देश। बोले जिसी को देखो कोई इधर उधर की बात नहीं करना, जिसको देखो भगवान की भक्ति की बात करो, भगवान की भजने की बात करो। इसलिए सारी कथा को याद करना और अपना अड़ोसी पड़ोसी को क्या करना, अपना अड़ोसी पड़ोसी को भी ऐसे नहीं एक जगह पर बैठ करके उसका बहू ऐसे कर रही थी, उसकी छोरी ऐसे कर रही थी, उसके घर में सास बहू की लड़ाई हो रही है, दुनियादारी बात नहीं करके क्या करो, हरि की चर्चा, भगवान की चर्चा, भगवान की भजन की बात करनी चाहिए, हैं, भगवान की भजन की बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए सारी कथा को याद करना और सबको कथा सुनाना, इसलिए एक एक नोटबुक लेकर करना था आए और लेकर, तुम भी लाए कि नहीं लाए, लाए हो ठीक है। देखो ये जो सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चार युग है, ये कहते ये चार युग नहीं, ये चार भाई है। अभी सत्य युग अपना राज्य तो किया, त्रेता युग भी अपना राज्य तो किया, द्वापर युग भी अभी राज्य तो किया, अभी कली का राजत्व है, कली राजत्व कर रहा है। एक समय ये जो उनका जो बड़े तीनों भाई थे सत्य त्रेता द्वापर, बोले भैया हम भी तो अपना अपना राज्य तो किया, चलो हमारा सबसे छोटा भाई अभी राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य तो कर रहा है, जा करके देखते हैं उसका राज्य कैसे चल रहा है। तीनों भाई मिलने के लिए आए छोटे भाई से, वहाँ पर चौकीदार था, आकर के पूछे, जा करके ये कलीजुग को बोलो उनका तीनों भाई मिलने के लिए आए, बड़े भाई थोड़ा मिलना चाहते हैं। लेकिन जब कलीजुग ने सुना हमारे तीनों भाई मिलने के लिए आए, उसने कह दिया उनको तीनों को बोल दो हमारे पास में कोई समय नहीं उनसे मिलने के लिए, वो वापस लौट जाए। अभी ये लोग सुनकर तो बड़े दुखी हो गए, बोले हम इतने दूर से आए और छोटे भाई से मिलने के लिए, और छोटे भाई कहते हमारा कोई समय नहीं मिलने के लिए, कैसे भाई है। बोले भैया हम बहुत दूर से आए, एक बार तो और जा करके बोलो, हम बड़े दूर से आए हैं, ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे, आँखों के आँख मिला कर चले जाएंगे। लेकिन जब इतना जा करके बोले ना, फिर उसने कहा इनके मुंह तक भी हम देखना नहीं चाहता हूँ। उसने आकर के बोला आपका नाम सुनकर तो गुस्सा कर रहे हैं, बोले ये आपका मुंह तक भी देखना नहीं चाहते। बोले भैया हमने इसे कौन सा अपराध कर दी, हाँ हमारे मुंह तक भी देखना नहीं चाहते। बोले और एक बार बोलो। जब और एक बार जा करके बोले, बड़े कष्ट से अनुमति दिया, बोले ठीक है उनको लेकर के आओ। जब उनको लेकर के आए, जो बड़ा भाई था जो सत्यजू को तो बड़े जोर से डांट लगाए कलीजू, बोले इसलिए मैं तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं, बताओ तुमने क्या किया कल्याण। सत्यजुग आया है, सत्यजुग का युग धर्म क्या था, कृते जत ध्यायते विष्णु ध्यान। आप लोग सुने होंगे 10,000 साल 20,000 साल हिरण्यकश्यप तो 60,000 साल तक एक अंगूठा के ऊपर खड़े होकर के हाथ ऐसे कर कर, हाँ कितने कठोर तपस्या किया। इतने वाल्मीकि को भी देखो, उन्होंने उनका नाम वाल्मीकि क्यों नाम पड़ा, जब उन्हें राम 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 बोलते बोलते उनका शरीर में दिमाग चट गया पूरा पूरा। बोले इतने तुमने परिश्रम कराया लोगों को, इतने कठोर बिना खाए बिना पिए बैठ करके लोगों को तू कष्ट ही लोग दिया, और दिया तो लोगों को दिया किया, वही स्वर्ग मोह किसको ब्रह्म लोग दे दिया, किसको जगत का भोग दे दिया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसको दिया है तुमने, हाँ हो सकता है वैकुंठ लोग तक दे दिया, लेकिन परिश्रम कठोर परिश्रम को बावजूद तुमने ये दिया, इसलिए मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था। अभी त्रेता युग को भी बड़े शासन किया, त्रेता जी का युग धर्म था त्रेता जजो तो मखई, त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ। आप लिखो यज्ञ करो, पहले हवन सामग्री ब्राह्मण को लाओ, घी लाओ, पंचामृत लाओ, लाओ लाओ, एक यज्ञ करने के लिए कितने पैसा खर्च हो जाता है। कभी यज्ञ में बैठे हो देना, जब यज्ञ के पास में बैठे हो ऐसे वहाँ धुआं निकलता है, आग की लपेट निकलता है, पास में बैठना बड़ा कठिन होता है। बोले तुम भी लोगों को पैसा खर्चा करवाया, कष्ट करवाया, लेकिन फल क्या मिला,
फल क्या दिया, यही दुनियादारी चीज को दे करके लोगों को बहका दिया तुमने, अभी केवल पैसा खर्चा कष्ट करवाए। द्वापर युग आया, द्वापर युग का युग धर्म क्या है, अर्चन पूजा। अभी अर्चन पूजा करने के लिए पहले तो पंचामृत को लाओ, पंचामृत जानते कि नहीं, दूध लाओ, घी लाओ, शक्कर लाओ, शहद लाओ, चीनी लाओ, पंचामृत, फिर धूप दीप नैवेद्य फूल माला लाओ लाओ, तुम भी बहुत पैसा खर्चा करवाए लोगों को, और फल भी तुच्छ फल दिया। देखो कलयुग कहता है, देखो अभी मैं कलयुग हूँ, अभी मैं राज्य तो कर रहा हूँ, मेरे युग में सब चीज की कोई ध्यान की जरूरत नहीं, कोई तपस्या की जरूरत नहीं, कोई यज्ञ की कोई जरूरत नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। महाप्रभु तो यहाँ तक बताए, अगर तुम्हारे पास में मजरा ढोलकी हो अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं, थोड़ी सी ताली बजाते हुए, केवल थोड़ी सी ताली बजाते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आपको कोई परिश्रम लगा, बल्कि कीर्तन में आनंद है, कीर्तन में आनंद है, कोई पैसा की जरूरत पड़ी इसमें, कोई कष्ट भी हुआ, बिना कष्ट बिना पैसा। दूसरी बात, जो तपस्या था, यज्ञ था, जो पूजा था, कष्ट नहीं, यज्ञ करने में पास में पैसा लगेगा, कठिन बैठना, सत्य युग में ध्यान में बैठना बिना खाए पिए कठिन है, लेकिन कलि युग में जो साधन, इसमें आनंद है, इसमें कीर्तन में रस आनंद है, फिर पैसा की कोई जरूरत नहीं, किसी पैसा की कोई जरूरत नहीं, बिना पैसा बिना कठिन से ये साधन कलयुग में है। और जो फल किया कलयुग का, तो फल किया गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन का प्राप्ति होगी, और महाप्रभु का धाम की प्राप्ति होगी, सर्वश्रेष्ठ धाम आपको प्राप्त होगा, केवल भगवान की थोड़ी सी नाम करने के लिए। इसलिए देखो अभी मैं कलयुग आया हूँ, राज्य तो कर रहा हूँ, मेरे कलयुग में कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, बस केवल ये होठ हिलने पर ही भगवान का नाम उच्चारण होता है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और घर जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानांगमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कहते वो जो ब्रह्म है, ये एक ही तत्व भगवान, भगवान एक ही, हम कहते ना भगवान एक है, लेकिन वो एक होने पर भी इनका तीन स्वरूप है, और उनका तीन तरह का भक्त। अच्छे तरह से बात को समझ लो, हमारे भारत में तो इसी विषय को लेकर बहुत कंफ्यूज लोग हैं। कोई कहते हैं तो निराकार है, हैं, जिसका कोई आकार नहीं, कोई कहते हैं वो परमात्मा को हृदय में ध्यान करो, कोई कहते नहीं गोविंद देव की भक्ति करो, उनका सेवा पूजा करो ठाकुर को, बड़ी इसमें शंका में लोग पड़े हुए हैं। लेकिन इसी श्लोक में ये सारे शंकाओं को इसी श्लोक में दूर करते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहते वो एक ही तत्व है, लेकिन एक होने पर भी इनका तीन प्रकाश है। भले जो ज्ञानी हैं उनको एक निराकार ब्रह्म रूप में उनका दर्शन करता है। कहते जो योगी वो एक ही भगवान को एक अंगुष्ट परिमाण पुरुष रूप में अपना हृदय में उनको ध्यान करता है, लेकिन जो भक्त
उनको जैसे जैसे गोविंद देव है, राधा रानी है, भगवान राम और सीता है, लक्ष्मी नारायण है, लड्डू गोपाल है, कहते भक्त इनको पूजा करता है। अभी प्रश्न होता है क्या ये सब के सब समान क्या है, बोले नहीं ये सब के सब समान नहीं। इसलिए यद्यपि इस सबको भगवान मिलते हैं लेकिन मिलने पर भी इसमें फर्क है, तब तो एक फर्क को समझा रहे हैं, उदाहरण दे करके बताए। जैसे आम का सीजन, यहाँ पर कौन सा आम बढ़िया मिलता है? दशहरा ना चौसा आम, इसलिए हाँ कौन सा आम इधर है? दशहरी। इसलिए जैसे दशहरी आम मार्केट में आया, किसी राजा ने एक सेवक को भेजा, भैया देख करके आओ, तो मैंने सुना बड़े दशहरी बड़े सुंदर सुंदर आम आया। वो गया, वो दूर से देख करके वापस आ गया, बोले महाराज बड़ा सुंदर आम है। दूसरे सेवक को भेजा, तू देख करके आ, वो तो देख करके आया था। जो दूसरा सेवक पास में गया, उसको स्पर्श किया तो देखा ये पक्का हुआ, सूंघा तो उसमें खुशबू है, वहीं से वापस चला आया। राजा पूछा आम ने देखा, बोले महाराज एक खुशबूदार एकदम पक्का हुआ आम है। राजा तीसरे सेवक को भेजा, बोले तू देख करके आ, वो तीसरा सेवक गया देखा स्पर्श भी किया सूंघा, बोले 5 किलो आम दो। 5 किलो आम लाए, ठंडा पानी में भिगवाया, अमुनिया करके ठाकुर को गोविंद देव को तुलसी पत्ता से भोग लगाया। जब उसने आम खाया ना, बड़ा मीठा आम है। राजा ने पूछा आम देखा? बोले महाराज आम बड़ा मीठा आम है, देखो ये तीनों को तो आम मिला लेकिन ये मिलने पर क्या बराबर मिला है? नहीं। उसी तरह जो ज्ञानी को जो भगवान मिलते थे लेकिन वो भगवान को क्या मानता है? वो तो निराकार एक ज्योति स्वरूप है, निरंजन निराकार निर्लिप्त, वो इसी रूप में उनको दर्शन करता है। ये ज्ञानी जो केवल दूर से दर्शन कर लिया लेकिन जो पास में गया स्पर्श भी किया सूंघा वापस आ गया, कहते ये कौन? बोले ये योगी है। ये योगी लोग क्या करते हैं? एक अंगुष्ट परिमाण एक परमात्मा को अपना हृदय में केवल ध्यान करते हैं, उसी आनंद में डूबे रहते हैं। कहते लेकिन जो अंतिम समय में गया, दर्शन भी किया, आम लाया और ठाकुर को भोग ला कर खाया, कहते ये कौन है? कहते ये भक्त है, जो कि भगवान को पूर्ण रूप में दर्शन करता है ठाकुर जी को। जैसे हनुमत लाल जी जब राम विश्राम करते हैं, हनुमान क्या करते हैं? ठाकुर की चरण की सेवा करता है। ठाकुर जी कहीं बैठे हुए अपना पूछ से छत्र बना देते हैं, अगर ठाकुर जी को कहीं जाना वास कंधे में बैठा कर हनुमान ले चलता है। जैसे ब्रज की गोपियाँ कृष्ण की सेवा करते हैं, कुंज सजाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसलिए यद्यपि भगवान ये तीनों को मिलते थे लेकिन मिलने पर भी पूर्ण रूप में किसको मिलता है? भक्त को। इसलिए आप कभी नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहते हैं कर्मी का भगवान। भगवान किसके भगवान है? भक्त का ही भगवान है। इसलिए भगवान के सारे गुण में एक गुण सर्वश्रेष्ठ है। हम कहते हैं ना बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, इसलिए भक्तों को ही पूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए सूरदास जी इसी विषय में एक बड़े सुंदर भजन गाया है, सबसे ओचे प्रेम सगाई सबसे ओ कब सबसे सबसे ओचे प्रेम सगाई दुर्योधन के मैं बात त्यागे दुर्योधन के मैं बात त्यागे साग विदुर घर खाई सबसे ओचे प्रेम सगाई सबसे ओचे प्रेम सगाई जोटे फल
फल सबरी के खाए, अझोटे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, राजसुया यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसुया यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे चौधाई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ को, प्रेम के बस अर्जुन रथ को, भूल गए ठाकुराई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हर नाई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, ऐसे प्रीति बड़ी वृंदावन, प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियन नाचन जाई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, सबसे ऊँचे प्रेम सगाई, जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधे जय कृष्ण जय राधे।
बोला श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो इसमें सूरदास जी कहते हैं भक्तों का प्रेम में ठाकुर इतने वशीभूत हो जाते हैं, बोले आप बने हर नाई। ये जो हर नाई ये नाई था, लेकिन नाई होने पर भी ये बड़े संत से भी, अगर घर में कोई वैष्णव आ जाए जरूर उनको सेवा करता था। लेकिन इसका काम क्या था, दुर्योधन को रोज शरीर में तेल मालिश करना, उसको खौरो काम करना, इसका था काम। अभी जिस समय ये दुर्योधन की सेवा करने जाएगा ठीक उसी समय में कुछ घर में वैष्णव लोग आ गए, संत लोग आ गए, लेकिन वो तो बड़े संत से भी था, अभी तो बड़ा दिव्यता में पड़ गया। अभी क्या करनी चाहिए, अगर मैं संतों का सेवा करता हूँ दुर्योधन का सेवा छूटेगा, अगर इसका सेवा छूट गया तो दुष्ट है, वो मेरी नौकरी से निकाल सकता है, नहीं तो कोई सजा भी दे सकता है। अभी द्विविधा में पढ़ करके सोच रहा है, कभी ये दुष्टों को तो सेवा करता हूँ लेकिन संतों सेवा तो बड़े भाग्य से मिलता है। आज तक हम संतों की सेवा करेंगे, उनने संतों के लिए बढ़िया रोटी सब्जी चावल बढ़िया बढ़िया चकाचक बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और संतों को खिलाए। लेकिन ठाकुर जी का निवास कहाँ पर है, भगवान का निवास संतों की वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। ठाकुर जी संतों के हृदय में बैठे हुए रहते हैं, अगर कोई संतों खुश कर दिया ठाकुर अपने आप खुश हो जाते हैं। इतने में ठाकुर जी क्या किया, ये हरनाई का रूप धारण करते हुए पहुंच गए दुर्योधन को घर में, पहुंच करके उसका शरीर में तेल मालिश करने लगे। कौन मालिश कर रहे थे, ठाकुर जी, ये गोविंद देव कर रहे थे। और भगवान का हाथ तो कोमल, और भगवान के हाथ लगते ना जिसे करंट लग रहा है, करंट मतलब क्या, इतने उसको आनंद लग रहा था, बोले आज क्या तेरे हाथ में कोई जादू है ना, क्या तू मेरे शरीर में हाथ लगाते ही पता नहीं मेरे हृदय में इतने आनंद, मेरे तो कभी इतना आनंद नहीं आया, पता नहीं तेरे हाथ लगते मेरे अंदर में क्या हो रहा है, मेरे को पता नहीं चलता इतने आनंद हो रहा है। क्यों, ठाकुर जी गोविंद देव स्वयं थे, इतना खुश हो गया, उसको गले में जो गजमती हार था ना उसको उतार कर उसने दे दिया और नाई को। लेकिन वो नाई कौन था, ये गोविंद देव ठाकुर जी थे। जब ठाकुर जी जब सेवा समाप्त हो गया चला गया, इतने में वो हार अपने आप उसकी गला से आ गया, कृष्ण गला से नाई की गले में आ गया। जब नाई की गला में आए, अभी नाई बड़ा देर में पहुंचा, सोचा हो सकता है नौकर से निकाल देगा मेरे को। लेकिन जब देर में बड़े डरते हुए पहुंचा, बोले आज मेरी देर हो गई, घर में कुछ साधु लोग आए थे उनकी सेवा करते करते देर हो गई, माफ करना। बोले क्यों, आज तुमने इतने बढ़िया इतने सेवा की, इतना आनंद मेरे को कभी नहीं मिला। बोले नहीं मैं आ नहीं पाया टाइम पर, लेट हो गया, उसको तो कुछ पता नहीं ना, लेकिन उसके गला में वो हार आ गया। इतने में बोले ओ तेरे को इतना कीमती हार दे दिया, ऐसे तू एट रहे हो, अभिमान हो गया। दुर्योधन ने किया क्या, उसको जो गले में हार था ना पकड़ा और छीन लिया। जब छीन लिया बोले ये हार कहाँ से आया, मेरे गले में कोई हार फार तो थी नहीं। वो समझ गया आज मैंने ये संतों की सेवा की ना, ये गोविंद देव स्वयं आज मेरे रूप धारण करते हुए आज ये दुष्टों की सेवा करा ठाकुर जी, इसलिए कह रहा है आज मेरे को इतने आनंद आया। और वो हार तो पहनाया किसको, वो पहनाया तो ठाकुर जी को, लेकिन हार अपने आप मेरे गले में आ गया। तब से वो हरनाई उसको सेवा करना छोड़ दिया, बोला आज से ये दुष्टों की सेवा मुझे नहीं करनी। मतलब ठाकुर जी इतने भक्तवत्सल ठाकुर जी, इसलिए भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते ठाकुर जी, ये गोविंद देव। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, कहते ऐसे जो भगवान हैं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कहते ऐसे जो भगवान हैं ये हर समय भक्तों को रक्षा करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए भगवान जगत में बारंबार ठाकुर जी प्रकट होते हैं। भागवत में इनकी 26 अवतार का नाम आया है। ठाकुर का जो पहला अवतार है ये ब्रह्मा की मानस पुत्र रूप में, ये चतुसन रूप में ठाकुर जी आए। कहते भगवान की जो अवतार 6 तरह का अवतार ठाकुर जी को, कहते सत्यावेश अवतार, मनोतर अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, इनके ऐसे 6 तरह का अवतार ठाकुर जी की। इसलिए ये चतुसन रूप में ठाकुर जी ब्रह्मा का मानस पुत्र रूप में जन्म हुए, जन्म होकर इनका काम क्या था, बोले कृष्ण कथा मात्र के जीवन।
हमारा जिस जीवन रोटी है हमारी जीवन है, इनकी जीवन किया बोले कृष्ण कथा ही इनका जीवन। अगर कोई जैसे हम लोग ने पहले महात्मा सुने ना, ये चतुसन ने पहले उन्होंने कथा नारद जी को सुनाई, जो 7 दिन तक उन्होंने कथा सुनी, कहाँ पर? ये हरिद्वार में, जिसको पद्म पुराण में हम सुन करके आए। अगर कोई कथा सुनने वाले मिले तो दरवाजा खोल दो जाकर, कोई अगर कथा सुनने के लिए कोई मिले तो उनको कथा सुना देते हैं। अगर कोई कथा सुनने वाले नहीं हो तो फिर तीनों भाई, चार भाई क्या करते हैं, एक भाई तो बैठ जाता है व्यासासन पर और 3 भाई बैठ जाते हैं श्रोता रूप में, इसलिए फिर ये कथा सुनाते रहते हैं हर समय। भगवान कथा ही इनकी जीवन है, जीवन होने का नाते इसलिए कहते जो सूरज है ना, ये सूरज नहीं ये काल है, ये सूरज नहीं ये काल है। जब ये पूर्व दिशा में उदय होकर के ये पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं, हमारे एक दिन इन्होंने काल ने एक दिन को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, ये एक दिन दिन चला गया हमारी, इसलिए हम कोई बड़े नहीं रहे, हम सबके सब छोटे हो रहे हैं। इसलिए कहते ये काल, सभी का तो काल को डरता है, लेकिन ये काल भी एक को डरता है, बोले किसको डरता है, बोले भगवान के भक्तों को डरता है। बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास, बोले कारण क्या, बोले कारण है जो भक्त होते हैं हर समय उनका नाम कीर्तन भजन में लगे रहते हैं, इसलिए जो सूरज है सबका परमाय तो ये हरण करता है, लेकिन ये भक्तों का परमाय को ये हरण नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर ये चतुसन का उम्र कैसे है, बोले हर समय इनका उम्र 5 साल उम्र के नंगे रहते हैं, क्योंकि उनको उम्र कभी बढ़ती नहीं। कारण क्यों नहीं बढ़ती है, हर समय भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा बोलते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, ये काल सभी का परमायु नष्ट कर रहा है, लेकिन आपका परमायु को ये नष्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? आप ठाकुर जी की गोद में बैठे हो, जो कथा सुनता है ठाकुर जी की गोद में बैठे, ये भगवान का पहला अवतार। क्या दूसरा अवतार किया, बोले भगवान वराह अवतार में उन्होंने ये पृथ्वी, जिस समय श्री मनु महाराज राजत्व कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को आदेश दिया ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ, बोले पृथ्वी तो है ही नहीं, सृष्टि कैसे करूं, सृष्टि करने के लिए स्थान चाहिए ना, क्योंकि जो पृथ्वी रसातल में चली गई थी, इतने में ब्रह्मा जी छींके छींके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, और वो देखते 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 विशाल रूप धारण किया, बराह अवतार लिया। बोले श्री भगवान बराह देव की, जब बराह अवतार में उन्होंने ये पानी को अंदर में छलांग लगा करके उन्होंने अपना दंत के अग्र में उन्होंने ये पृथ्वी को उन्होंने उन्होंने धूरी पर ला करके स्थापन किया, इसलिए और उन्होंने हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किया। देखो ये हिरण्याक्ष कैसे सृष्टि हुआ, कहते ये शाम का समय में हमें 4 काम नहीं करनी चाहिए, याद कर रखो, कितना काम नहीं करनी चाहिए, क्या क्या है, बोले पहला नंबर है शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए, इसलिए जो भोजन करेगा उसको पेट का रोग कभी समाप्त खत्म नहीं होगा, उसका पेट का रोग बनी रहेगी। दूसरा काम है कभी शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए, इसलिए जो शाम का समय में सोएगा ना उसको घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी, उसको घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी, इसलिए और एक बात है सवेरे भी नहीं सोनी चाहिए है, इसलिए सवेरे सवेरे, इसलिए सब लोग पहले हम अब देखो आप घर की माताओं का देखो क्या सवेरे सवेरे उठ जाती थी ना, उठ करके ठाकुर की आरती सेवा पूजा करती थी, क्योंकि उसी समय शंकर जी अपना चरों को ये भूत प्रेतों को लेकर के शंकर जी ये घूमते रहते हैं, इसलिए सवेरे का समय हम क्या करते हैं, उठ करके मंगला आरती करते हैं, ठाकुर का नाम जप करते हैं, ठाकुर का कीर्तन करते हैं, इसलिए सवेरे ज़्यादा सोओगे। लोग अभी क्या करते हैं टीवी एक एक दो दो बजे तक एक एक टीवी देखेंगे और सोएंगे उठेंगे 8-9 बजे, कहते ये नियम नहीं है, फिर घर में उनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, वो दरिद्रता घर में आ जाती है, इसलिए शाम का समय में और सवेरे समय भी ज़्यादा नहीं सोनी चाहिए, उसी समय उठ करके भगवान की पूजा पाठ उस समय में करनी चाहिए, इसलिए शाम को जो सोएगा लक्ष्मी नहीं आएगी। बोले तीसरा काम बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए शाम का समय में, ठाकुर का गीता भागवत स्तुति स्तव कर सकते हो लेकिन शाम का समय में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आप देखना कभी कभी हम कहते ना बच्चा तो घर में पढ़ाई ठीक से करता है लेकिन जो पेपर देने के लिए जाता ना जो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है, उसको याद नहीं रहता है,
इसलिए नियम है शाम का समय में पढ़ाई करने पर वो सब कुछ भूल जाओगे। और चौथा काम नहीं करनी चाहिए, कहते स्त्री के साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये हिरण्यकश्यप हुए कैसे, कहते एक समय दीति ठीक शाम का समय में बड़ी सुंदर उन्हें श्रृंगार की, राजकुमारी थी, शीशा को सामने खड़ी होकर के सुंदर श्रृंगार की, श्रृंगार करते हुए जब अपना रूप को देखी वो काम में एकदम मुग्ध हो गई। काम में एकदम मुग्ध होकर के अपना पति कश्यप जी को पास में गई, उनको संग की प्रार्थना की। कश्यप ने कहा देखो दीति ये जो समय है ये शंकर जी अपना भूत पिशाचों के साथ में घूमने का समय है, इस समय नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो इतने कामातुर हो गई तो जोर जबरदस्ती पति से उसने मिली। कश्यप जी ने कहा तुमने अच्छी काम नहीं की, तेरे पेट में राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे। इसलिए अब कभी कभी देखना कोई कोई बच्चा तो होता है पिता माता का बड़ा आज्ञाकारी होता है, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुएगा, पिता माता का आदेश पालन करेगा। लेकिन कुछ कुछ बच्चों का स्वभाव इतने उत्पाती इतने उद्दंड होते हैं पिता माता की बात नहीं सुनते। कारण क्या है, पहले उसका जिसमें गर्भ संस्कार है, जिस समय जिस दिन वो बच्चा गर्भ में आया है वो समय अच्छा नहीं था, इसलिए इतना उत्पाती इतना दुष्ट बन जाता है। इसलिए इसको ध्यान देनी चाहिए चीज को। इसलिए कल तुम्हारे पेट में राक्षस जन्म लेंगे, ये हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप जन्म हुए। लेकिन वो दुखी हुई बाद में, बोले पतिदेव मेरे अपराध माफ कर दो, मैं कामातुर हो गई थी मेरे अपराध माफ कर दो। बोले ठीक है तुमने अनुताप किया है, तेरे बेटा तो दुष्ट बनेगा राक्षस, लेकिन तुम्हारा जो पोता होगा ना परम भक्त होगा। इसलिए श्री हिरण्यकश्यप का बेटा कौन हुए, ये प्रह्लाद। बोले प्रह्लाद महाराज की। इसलिए ये हम जब जय ध्वनि देते हैं ना कहते हैं ना भक्त श्रेष्ठ प्रह्लाद महाराज की। इसलिए ठाकुर जिसके लिए जब उसने पूछा उसको पिताजी बताओ तेरे भगवान है कहाँ, बोले बताओ मेरे ठाकुर है नहीं कहाँ तो बताओ, बोले खंबे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर, सचमुच से नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले पहले तेरे ठाकुर को दिखाता हूँ तेरे को बाद में दिखाऊंगा। उनने मुष्टि का घात प्रहार किया तो खंभा फाड़ करके भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए कहते ये भगवान का ये तीसरा अवतार है, कहते ये भगवान की कितना दूसरा अवतार हुए, भगवान का जो तीसरा अवतार है कहते श्री नारद जी हुए। अब जानते हो इसे नारद जी, ये जगत गुरु श्री नारद, ये जहां जाए ना अगर दैत्यों के पास में जाए बोले गुरु जी आ गए, देवता को पास में जाए बोले गुरु जी आ गए, अगर इंसान को पास में जाए बोले गुरु जी आ गए। इसलिए सारा दुनिया में जिनकी पूजा होती है श्री नारद जी की। और इस नारद जी कृष्ण का भी भक्त है, नारायण के भी भक्त है, महाप्रभु का भक्त रूप में भी आए। बताओ तो महाप्रभु का भक्त में नारद कौन थे, हाँ श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित, ये नारद जी श्रीवास पंडित बन करके आए। इसलिए ये हर प्रभु की लीला में ये रहते हैं ठाकुर जी की, ये सेवा करते हैं नारद जी। अब विशेष कर जो इनका नाम नारद क्यों नाम पड़ा, बोले नारद न रद, जो रद्दी कभी होते ही नहीं, नर मतलब होता है ज्ञान, जो सबको ज्ञान देते हैं, नर मतलब होता है रस, सबको जो रस देते हैं, नार मतलब होता है आसक्ति, द मतलब होता है खंडयति, जीव का आसक्ति को जो खंडन करके जीव को जो भक्ति देने वाले ये श्री नारद जी है, हाँ? इसलिए विशेष करके इनकी चार चेले हुए। चार चेले कौन हुए, बोले दो वृद्ध और दो बालक। बोले दो बालक कौन हुए, एक प्रह्लाद और एक ध्रुव। इनकी कथा हम आगे सुनेंगे। 5 साल उम्र में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति किया, ऐसे उनको चेले बने। और दो वृद्ध कौन हुए, एक व्यास देव हुए और एक श्री वाल्मीकि। ये दोनों ने जो दो ग्रंथ हमारी सनातन धर्म का जो दो ग्रंथ रचना किया, एक ने भागवत ग्रंथ और एक ने रामायण, एक ने रामायण। इसलिए जिस समय नारद जी जा रहे थे पहले ये वाल्मीकि दशरथ ना करते, बाबा को पकड़े, बोले बाबा निकालो क्या माल पानी निकालो, बोले भैया हम तो संत है, हमारे पास में 3 चीज रहता है, लोटे सोटे और लंगूटे, ये 3 चीज हमारे पास जो कुछ बोले दे दो निकालो। बोले भैया ये बताओ तुझे ये पाप कर्म करके जो पैसा कमा रहे हो इसका पाप का अंशीदार कौन है, बोले मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरे हैं मेरे पिता माता। बोले देख सावधान से सुन, ये सबके सब सुख में तेरे साथ दे रहे, लेकिन दुख में कोई तुम्हारी साथ देने वाले नहीं,
जा पूछ कर कहा, बोले मैं पूछने के लिए जाऊँ तो भाग जाओगे हैं, हमें पाठ पढ़ा रहे हो, बोले तेरा हाथ को मैं बांध करके जाऊंगा, इसलिए नारद जी को पेड़ में बांध करके गए पूछने के लिए। तब उन्होंने पिता माता से पूछे, बोले ये जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहा हूँ इसका अंशीदार तुम बनोगे कि नहीं? बोले क्यों, तेरे को हमने जन्म दिया, लिखा या पढ़ाया, बड़ा किया, हमने कैसे पैसा कमाया ये हमें पता है, और तू कैसे पैसा कमाते हो हमारी कोई पता नहीं, हम कोई पाप नहीं लेंगे। पत्नी से पूछा तू लेगी कि नहीं? बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम तेरा है, इसलिए मेरे को पता नहीं तो कैसे पैसा कमाते हो। तो उनने बच्चों को पूछा, बोले अभी तो हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य है हमको लिखा बड़ा सिखा करके बड़ा करना, जब बड़े बन करके हम कैसे पैसा कमाए फिर हम सोचेंगे आपका पाप लेने के लिए कोई। बोले ये बाबा तो सही बता रहे थे, ये सब के सब सुख में मदद कर रहे, दुख में तो कोई मदद करने वाले नहीं। फिर उनने वापस आए, बोले बाबा मेरा बहुत बड़े एक अज्ञान था, शायद ये लोग मेरे पाप को ग्रहण करेंगी, लेकिन ये तो कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं, बताओ अभी मेरी कल्याण कैसे होगा, मैं तो बहुत पाप किया हूँ। तो उन्होंने बोले बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, जोर से बोलो राम। लेकिन वो इतना बड़ा पापी था जिसको मुंह से प्रभु राम का नाम नहीं निकला, बोले कारण किया, बोले जो पापी लोग होते हैं ना वो भगवान का नाम को नहीं ले पाते हैं। बोले जनई सत तप जन्म वासुदेव समर जन्म, कहते भगवान का नाम को कौन ले सकते हैं? बोले जिसने 100 जन्म तक, जिसने पहले जीवन में जिसने ठाकुर का अर्चन पूजा करके आया है इस जीवन में, वही प्रभु का नाम ले सकता है। अब भगवान कपिल देव कहते हैं, बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ये ठाकुर जी अपना माँ को कह रहे हैं, कहते माँ पूर्व जन्म में जो 4 काम करके आया होगा इसी जीवन में वही नाम कर सकता है। कितना काम, क्या क्या बोलो, कौन बोल सकता है? हाँ आज सुन लो, मैं कल सुनूंगा तुमसे, ठीक है? जो 4 काम पूर्व जन्म में करके आया इसी जीवन में, तभी वो जिहा में नहीं, कहते जिहाग्रे जुहा की अग्र देश में प्रभु का नाम ले सकता है, पूरा जुहा में नहीं। 4 काम किया है, कहते पहले जन्म में जितने पृथ्वी में तीर्थ है, पृथ्वी में कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। 6 अरब मतलब 600 करोड़ तीर्थ पृथ्वी में, जो पूर्व जन्म में 600 करोड़ तीर्थ में जो स्नान करके आया। दूसरा काम किया, जगत में जितने दान पुण्य है पूर्व जन्म में सारे दान पुण्य जो करके आया है। तीसरा काम किया, बोले पूर्व जन्म में जितने तरह का तपस्या है सारे तपस्या करके आया। चौथा काम, पूर्व जन्म में जिसने सारे यज्ञ करके आया है, ये भगवान खुद अपना माँ को कह रहे, बोले माँ तब भी इसी जीवन में कोई जिह्वा की अग्र देश में कोई प्रभु का नाम ले सकते हैं। तब कहते जिसका जिह्वा पूरा के पूरा ठाकुर का नाम ले रहे, बोले उसका तो महिमा हम बता ही नहीं सकते, जिसका जिह्वा पूरा के पूरा ठाकुर का नाम ले रहे हैं। कहते जो जिह्वा से कृष्ण नाम लेता है तो इसका इतना पुण्य है, लेकिन इन्हीं आंखों से जो गोविंद देव का दर्शन करता है, बोले वो तो और भाग्यवान। बोले जिनकी दोनों हाथों ठाकुर को सेवा में लगा हुआ, बोले और भी वो भाग्यवान। बोले जो व्यक्ति हृदय में ठाकुर जी का स्मरण करते, बोले और भाग्यवान। बोले जो न दो प्यार से चलते हुए ठाकुर का मंदिर तक आते हैं, बोले भैया उनकी भाग्य की महिमा तो हम बता ही नहीं सकते। इसलिए जब उनको बोले ना बोलो राम, उसको मुंह में राम नाम नहीं निकला, लेकिन उसको बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो? बोला ये तो बोल सकता हूँ, आप लोग बोलो तो। अब देखो मरा मरा अपने आप बदल जाता है, मरा बोल नहीं सकते हो, मरा मरा राम राम अपने आप राम हो जाता है। इसलिए कहते उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार करह सुमन मनवाई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई, स्वयं भगवान राम भी अपना नाम की महिमा को ठाकुर राम भी नहीं बता सकते हैं, इतने महिमा। एक सुंदर उदाहरण दिया, आप लोगों ने कभी खेती में बीज लगाए हो, बीज बोए की खेती में, ये शहर में आ गए हो कि आपको क्या बताए। इसलिए देखना जैसे जो जैसे गेहूं चावल है, अब देखना उसको लेकर ना जमीन में ऐसे ऐसे फेंक देते ना जमीन में, लेकिन देखना वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े, लेकिन जो पेड़ होता है कैसे होता है, वो सीधा होता है।
कहते उसी तरह ठाकुर का नाम, भले ही आप जिस तरह से ठाकुर का क्यों नाम नहीं ले किसी तरह से, लेकिन उसका जो फल है ना वो फल सीधा होगा, उसका फल कभी उल्टा नहीं होगा। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस आपका सारे तीर्थ में नहाना हो गया और सारे यज्ञ हो गई तुम्हारी, सारे तपस्या हो गया और सारे दान हो गया। हाँ, इतने की भगवान खुद कहते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान की ये जो नारद जो अवतार हुए हैं, ये भगवान के तीसरा अवतार हुए हैं नारद जी, दो बालक और दो वृद्धन की हैं, दो चले और उनको चार ही चले विशेष करके हुए हैं। कहते भगवान की जो चौदह अवतार, कहते ये नर नारायण ऋषि रूप में आए, कहते नर नारायण रूप में ये बद्रीनाथ में ये ठाकुर तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ गए हो? कौन कौन बद्रीनाथ गए? एक दो तीन, कौन जाना चाहते बताओ? हाँ, आपके एक बार ले जाएंगे। देखो इस बार तो वहाँ भागवत कथा होने की थी, हाँ वहीं पर भागवत कथा, लेकिन ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे वहाँ पर भागवत कथा के लिए, अगर होगा तो अगली बार हम करेंगे। अब सबके चलना, ठीक है ना, सबके सब वहाँ पर जा करके उनको पास में रह करके भागवत कथा, हम वहीं पर भागवत कथा करेंगे। प्लस श्री बद्री विशाल की, कहते ये ठाकुर जी ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? बोले तपस्या तो जीव करेंगे, लेकिन ये तपस्या ये ठाकुर जी क्यों कर रहे हैं? देखो इसका रहस्य सुन लो। कहते एक समय श्री नारद जी ये मरते जगत में आए, हर घर घर में गए, सबसे पूछे, सब ठीक ठाक है ना, सब लोग तो सिर हिलाया, लेकिन जब अंदर की बात पूछा ना, देखा जगत में कोई भी ठीक नहीं, कोई राइट नहीं, सबके सब रंग है, सबके सब हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई दुखी दुखी। नारद जी कहे वैकुंठ में, देखा ठाकुर जी अनंत नाग पर शयन किए हुए माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही हैं और सारे देवता लोग शांत आगारम भुजग शयनम पद्मनाभ सुरेशम स्तुति कर रहे हैं और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी बोले प्रभु ये दुनिया को आपने सृष्टि किया, ये दुनिया दुखी दुखी, आप तो यहाँ आनंद ले रहे हो, हाँ आनंद ले रहे हो लक्ष्मी को लेकर के। बोले तुम क्या बोलना चाहते हो? बोले प्रभु जी हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के जगत में किसी को सुख नहीं मिला, रावण जैसे व्यक्ति, सोने की लंका, मंदोदरी, एक से एक सुंदर स्त्री, पुत्र जिनकी 1,25,000 नाती 1,00,000 जिनके बेटे हैं उनको भी ये शांति नहीं मिला। क्यों? भगवान से विमुख होकर के जगत में कभी किसको शांति मिला नहीं, जब भक्ति करेगा तब उसको शांति मिलेगी। बोले तुम क्या बताना चाहते हो? बोले प्रभु जत जत आचरति श्रेष्ठ तत् तब देव इतर जना, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो काम करता है, जो नीचे व्यक्ति उसको देख करके सब चीज़ सीखता है, जैसे पिता माता जैसे करते, बच्चे तो देख देख कर सीखता है ना, आप तो जगत का पिता हो। बोले अरे खोल करके बोलो, बोले प्रभु आप तो अपना लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े हुए, लोग सोचेंगे जब ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े रहेंगे। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले थोड़ा आप भजन साधन करो, आपको देख करके जीव सीखेगा। बोले ठीक है जा रहा हूँ। बोले को तो बढ़िया जगह होनी चाहिए, जब उन्होंने बद्रीनाथ में पहुँचे, आप लोग गए बद्रीनाथ जो अलकानंदा बह रही है, नर नारायण पर्वत, बड़ा सुंदर स्थान, मनोरम स्थान है, ठाकुर को बहुत अच्छा लगा, बोले यहीं पर मैं भजन करूँगा। लेकिन वह स्थान पहले श्री शंकर जी का था, वहाँ पर तप्त कुंड में शंकर पार्वती रोज स्नान करने के लिए आते थे, जब आ रहे थे ना ठाकुर जी क्या किया, छोटा बालक बन करके रोने लग गई। शंकर समझ गए भैया दाल में कुछ काला है, जब माता पार्वती पीछे पीछे आ रही थी, बोले इतना छोटा बच्चा गोद में ले लिया, बोले इतना छोटा बच्चा दिखा नहीं आपको? बोले लगता है कुछ गड़बड़ी है। बोले गड़बड़ी क्या? छोटा बच्चा रो रहा है बर्फ के ऊपर में, मैं इसको सुला करके आती हूँ। जब उन्हें सुला करके आई, दोनों स्नान करके वापस गए ना, ठाकुर अंदर से कुंडी बंद कर दी। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, ठाकुर खोले ही नहीं। बोले देख लिया तुम घर में सुलाया तो पूरा घर ही दखल कर लिए। उन्होंने ध्यान लगाया ये बच्चा कौन है, देखा ये स्वयं ठाकुर जी है। बोले ठाकुर जी आप रहो मैं तो जा रहा हूँ और कहीं।
फिर उन्होंने केदारनाथ शंकर जी चले गए, लेकिन पहले वहीं रहते थे, इसलिए ठाकुर जी वहीं पर तपस्या कर रहे। लेकिन उनका दर्शन का क्या लाभ है? कहते अगर कोई बद्रीनाथ जाए केवल उनका दर्शन कर ले, ठाकुर जी को पता कलयुग का जीव तपस्या कर ही नहीं सकते हैं, कलयुग का जीव कर ही नहीं सकते हैं। अब 5-10 मिनट बैठो प्यार दर्द करने लग जाता है, कमर दर्द हो रहा है, हैं हम ठीक से बैठ नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने बोले मैं यहीं पर तपस्या करूंगा, अगर कोई कष्ट करके आए एक बार मुझे दर्शन कर ले, मेरे को दर्शन मात्र से मैं जो तपस्या कर रहा हूं उसका छठवां भाग का फल उसको अपने आप मिल जाएगा, केवल दर्शन मात्र से ही। ठाकुर जी को पहले तो बहुत कठिन था, आप लोगों को पता होगा पहले जो लोग जाते थे केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन के लिए घर में बोल करके जाते थे मेरे श्राद्ध क्रिया कर लेना, क्योंकि वहां से वापस आएगा, क्योंकि चल चल कर जाना पड़ता था, पेड़ को पकड़ पकड़ किसी तरह से चलते थे, ऐसे कठिन रास्ता। अभी तो रोड बन गया, अब 10 दिन में ही केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री पूरा 10 दिन में, अभी तो वो टूरिस्ट प्लेस बन गया, इतना सुंदर बन गया, इतने प्यारा स्थान बन गया वो, इसलिए केवल दर्शन मात्र से ही मिलेगा। इतने में क्या हुआ, अभी एक दिन नारद जी लक्ष्मी को पास में आए, बोले प्रभु जी कहाँ हैं? बोले पता नहीं वो कहीं गए, अभी तक आए नहीं। बोले प्रभु तो बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। इतने में लक्ष्मी आकर के देखा ठाकुर जी सचमुच से पहाड़ के ऊपर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। इतने में माँ लक्ष्मी एक बेर के वृक्ष बन करके उनके सर के ऊपर छाया करने लग गई, और इतने में बड़ी मीठी मीठी हवा आई। बोले इतने मीठी मीठी हवा कहाँ से आ रहे हैं? देखा स्वयं लक्ष्मी वो बेर वृक्ष बनकर के ऊपर में बैठी हुई खड़ी हुई है। इसलिए ठाकुर का नाम पड़ेगा बद्री नारायण, जैसे कहते ना सीता राम राधे श्याम बद्री नारायण, बद्री मतलब ये माँ लक्ष्मी स्वयं बेर का वृक्ष बनी, इसलिए बद्री नारायण नाम पड़ा। बोले श्री बद्री विशाल की, बोले श्री बद्री नारायण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे उन्होंने भगवान की 24 अवतार की बात उन्होंने बताई, लेकिन ये बताते बताते उन्होंने बीच में बोल दिए ये जो कृष्ण है ना ये एक अवतार है। लेकिन इतना बोल करके सुतो गोस्वामी अपना जीव को काट दी। बोले मैंने गलती कर दिया। क्या गलती की? बोले ये गोविंद देव को भी मैंने क्या बता दिया, ये भी एक अवतार, लेकिन ये जो गोविंद देव आपका जो बैठे जयपुर में ये अवतार नहीं। फिर ये कौन है? ये अवतारी। अवतारी मतलब क्या? जिनसे ये सारे अवतार आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने इन्हीं के लिए एक अलग उन्होंने श्लोक बनाया, उदाहरण दिया। जैसे आपका घर में कोई फंक्शन है तो आपने यहाँ के प्राइम मुख्यमंत्री को भी आपने निमंत्रण दिया। अभी क्या हुआ, आपका नजर नहीं पड़ा, आम व्यक्ति जिस लाइन में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे वो भी आकर उसी लाइन में बैठ गया। अगर आप नजर पड़ेगा तो क्या करो, अरे मुख्यमंत्री आए, हमको ध्यान नहीं दिया, तो क्या करो, उनको लेकर के उच्च आसन में अच्छे आसन देकर के बैठा होगी। उसी तरह उन्होंने अवतार का नाम लेते हुए गोविंद देव का नाम भी ले लिया। उन्होंने भैया मैंने गलती कर दी, गोविंद देव को भी मैंने अवतार बता दिया। फिर उनके लिए सभी को सामने, सब अवतार को सामने रत्न सिंहासन को उन्होंने स्थापन किया। स्थापन करते हुए श्री गोविंद देव को लेकर के उसको ऊपर में उन्होंने बैठाया। बैठा करके गोविंद देव को फिर श्लोक रचना करते हैं, बोले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यंती जुगे जुगे। बोले मैंने अभी तक जिन जिनों का नाम लिया है ये गोविंद देव का कोई अंश कोई कला है, लेकिन ये जो गोविंद देव है ये पूर्ण ब्रह्म है। इसको कौन कह रहे हैं? बोले ब्रह्मा जी कहते हैं। कहते अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये जो कृष्ण है ये पूर्ण ये ब्रह्म ये सनातन है। इसलिए ब्रह्मा जी और क्या कहते हैं? कहते ईश्वर परम कृष्ण। बोलो जोर से, अब किसको याद बोलो उसके बाद में जोर से। बाबा लगता है आप सब पंडित बैठे हो। हाँ, इसलिए देखो ये कौन कह रहे हैं?
ये जगत को सृष्टि करता। एरे गेरे कोई व्यक्ति बोले ना, उसको कथा बोले, उसको कथा की क्या महत्व है, लेकिन जो दुनिया को सृष्टि की वो स्वयं ये बात को स्वयं कहते हैं। तो ये चीज को समझ लो, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ये जो कृष्ण ये ईश्वर है। ईश्वर मतलब क्या है, बोले अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जो शक्यते सैव ईश्वर। ईश्वर का डेफिनेशन है बताए, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, और मरा हुआ व्यक्ति को भी जो जीवित कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने तीन तीन बार मरे हुए व्यक्ति को उन्होंने जीवित करके दिखाया। किसको, अपना गुरुपुत्र को दिखाया। जब फिर देवकी को पता चला, बोले मेरे छह बेटे को देखने की इच्छा कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, छह बेटे को मरे हुए पुत्र को फिर वापस लाए हैं। फिर जब उन्होंने द्वारका में लीला कर रहे थे, एक ब्राह्मण का बच्चे मरते ही शरीर छोड़ देते थे, उन्होंने जाकर के साक्षात कहाँ से, बैकुंठ से मरे हुए बच्चों को उन्होंने वापस लेकर के आए सब के सब। इसलिए कहते जो मरे हुए व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकते हैं, कौन है, श्री गोविंद देव है। कहते ये अनादि रादि, अनादि की जो ये आदि है, मूल पुरुष है, जिनकी अभिन्न रूप में बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु से फिर संकर्षण, फिर उसमें चतुर्भ्युह, फिर उसमें जो कारण दुग साई विष्णु रूप में, फिर उनकी जो विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले जो गर्भ दुग साई, जिनकी नाभि कमल से ये ब्रह्मा सृष्टि हुए। इसलिए कहते सारा दुनिया की जो मूल कारण है कौन, ये श्री गोविंद देव है। बोले श्री गोविंद भगवान की, जोर से बोलो, बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। हाँ एक कीर्तन कर देते हैं, कोई बढ़िया से कीर्तन करो, फटाफट सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए पीछे पीछे कीर्तन करो। राधा रानी को हमारे माइक पीछे ले लो। राधा रानी को हमारे श्याम प्यारी को, चौदह भुवन की
राधा रानी को हमारी क्षमा प्रार्थना। बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हाँ देखो, हमारे श्री जीव गोस्वामी कहते हैं जैसे ये कृष्ण सर्वपरि है, कहते उनका नाम भी जितने नामों में भी इनके नाम भी श्रेष्ठ नाम है। देखो इसकी शंकर पार्वती का संवाद, अब ध्यान देकर सुनो। हम चाहते हैं परिश्रम कम हो और ज्यादा फल मिले, इसका उपाय शंकर जी स्वयं कहते हैं। बोले एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु हम किसकी पूजा करें और किसका नाम लें। शंकर जी कहते पार्वती आराधना नाम सर्वे सांग विष्णु आराधना परम, जितने आराधनाओं में भगवान विष्णु का आराधना सर्वश्रेष्ठ है। एक विष्णु सहस्र नाम माता पार्वती रोज इसको पढ़ती थी, अभी 1000 नाम लेने में तो समय लगेगा। एक दिन शंकर जी सवेरे सवेरे भोजन मांगे
पार्वती बोली प्रभु अभी तो भजन नहीं हुआ, भोजन की बात कर रहे हो, पहले भजन फिर भोजन होगा, अभी मेरी पूजा पाठ नहीं हुआ, बड़े जल्दीबाजी करते हो। शंकर जी बोले पार्वती इधर आओ, तेरे को मैं एक सरल उपाय बताता हूँ, जो परिश्रम तो कम होगा लेकिन ज़्यादा फल मिलेगा। बोले बताओ। कहते विष्णु सहस्र नाम में एक श्लोक है, बोले राम रमति रमति रम रमी मनोरमी सहस्र नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। बोले हे सुंदरी पार्वती, 1000 विष्णु सहस्र नाम लेने में जो फल है, एक बार श्री राम का नाम ले तो वही फल मिलेगा। बोले इतना राम नाम में? बोले हाँ। तब उन्होंने तब से उन्हें राम नाम जप करना शुरू किया। जब कुछ दिन हो गया, फिर शंकर जी भोजन एक दिन मांगे, बोले अभी भजन नहीं हुआ, भोजन की बात कर रहे हो, पहले भजन करने दो। बोले दो पार्वती इधर आओ, तेरे को और एक सरल नाम बताता हूँ, जो परिश्रम कम और ज़्यादा फल मिलेगा। बोले बताओ। ये शंकर जी स्वयं कहते हैं, बोले सहस्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिरा वित्वा तु जत फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नामैक तज प्रच्छति। ये गोविंद देव का नाम का महिमा सुनो। इसलिए ये शंकर जी कहते हैं, ये जो विष्णु सहस्र नाम को अगर कोई 3 बार करे, बोले 3000 विष्णु का नाम अगर कोई ले, एक बार केवल कृष्ण नाम ले ले, ये गोविंद देव का नाम ले ले, एक गोविंद देव का नाम समान 3000 विष्णु नाम करने का फल मिलेगा और 3 बार राम नाम लेने का फल मिलेगा। पार्वती बोले प्रभु फिर तो प्रभु कृष्ण का गोविंद देव का नाम लो। बोले हाँ पार्वती, ये मूल कारण का कारण ये श्री गोविंद देव है। तब से वो कृष्ण 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 नाम लेती थी। फिर शंकर जी फिर बुलाए, बोले भोजन लाओ। बोले अभी भजन नहीं हुआ, अब भोजन की बात करते हो। बोले अभी भजन को समाप्त होने दो। शंकर जी बोले पार्वती इधर आओ, तेरे को आज एक बड़ा रहस्य बात बताऊंगा, जो बात मैंने किसी को नहीं बोली। बोले क्या बात है? बोले ये गोविंद देव का नाम से भी एक और श्रेष्ठ नाम है। बोले आप तो खुद बता रहे थे ये गोविंद सर्व कारण का कारण, ब्रह्मा जी कहते हैं इनका कारण कोई है नहीं, ये मूल कारण है, आप फिर बता रहे हो गोविंद का नाम से भी श्रेष्ठ नाम है। बोले मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये गोविंद जी खुद बते। बोले बोले किसको? बोले बोले चंद्रमा को। देखो ये गोविंद देव चंद्रमा को क्या बोले? बोले मम नाम सतनापी राधा नाम सदूतमम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा किमतम। बोले अगर मेरे नाम को कोई 100 बार गोविंद देव का नाम ले, एक बार श्री राधा रानी का नाम ले ले, एक राधा रानी का नाम के समान ये गोविंद देव का 100 नाम लेने का फल मिलेगा। पार्वती बोली प्रभु फिर तो केवल राधे ही राधे बोलू, और मैं कुछ बोलूंगा नहीं, केवल राधे ही राधे ही बोलता हूँ। बोले पार्वती इसमें भी एक रहस्य। बोले फिर क्या रहस्य? जब एक राधा नाम कृष्ण का 100 नाम के बराबर, फिर रहस्य क्या है? बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा का नाम लेने से राधा रानी नहीं आएगी, राधा नाम से, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधा नाम गाने भाई श्री कृष्ण चरण पाई। राधा जी का नाम लेने से कृष्ण चरण की प्राप्त होता है। बोले कृष्ण चरण कृष्ण का नाम लेने से श्री राधा रानी खुश होती हैं। पार्वती बोली प्रभु मैं तो बड़ा कन्फ्यूजन में पड़ गया, अरे बताओ राधे राधे बोलू ना कृष्ण कृष्ण बोलू? बोले दोनों का नाम लो। बोले कैसे? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले इसमें राधा जी का नाम कहाँ है? तो कहीं हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, ये तो खिचड़ी जैसे, इसमें कहाँ राधा जी का नाम तो किसी में है ही नहीं। बोले जो हरे शब्द है वो राधा जी का नाम, इसका मूल शब्द हरा और संबोधन में हो जाता है हरे, मतलब कृष्ण का मन को जो हरण करती हैं वो हरा से ये हरे शब्द है, और कृष्ण मतलब ये कृष्ण, और उसमें जो राम नाम है ये दशरथ नंदन अयोध्यापति राम का नाम नहीं, ये गोविंद देव का नाम है, और राधा जी को साथ में रमण करते हैं रास करते हैं, इसलिए इनका एक नाम राम। इसलिए जो महामंत्र है ये केवल श्री राधा कृष्ण का ही ये नाम, इसलिए इसका नाम महामंत्र। मतलब जितने मंत्रों में ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र ये महामंत्र है।
अगर ये महामंत्र को कोई जप करेगा तो क्या होगा, हरे नाम बोलते ही कृष्ण का 100 बार नाम लेने का फल मिलेगा, और कृष्ण नाम लेने पर विष्णु सहस्र नाम, 3000 विष्णु सहस्र नाम और 3 बार राम का नाम लेने का फल मिलेगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको क्या मंत्र कौन सा नाम जप करनी चाहिए, उनको ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्रीमती राधा रानी की। अभी बोले द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जाए, व्यास पराशर उद्योगी तासभ्याम कलया हरे। अब ये कलयुग आने वाला है, अभी द्वापर युग में, द्वापर युग अंतिम समय में ये व्यास देव प्रकट हुए। बोले व्यास देव कैसे प्रकट हुए, बोले इनके जो पिताजी थे पराशर ऋषि, एक दिन यमुना नदी पार करते हुए गए हुए थे। पहले केवट लोग रहते थे यमुना किनारा में, जो व्यक्ति आता था उनको उनको पार कर देते थे। एक दिन ये केवट उनका जो पिता सत्यवती की लोगों को पार करते करते कर थक गए थे, शाम हो गया था। अभी पराशर ऋषि आए, बोले हमें पार करा दो। तो उन्होंने अपना बेटी को बोले बेटी जा बाबा को पार करा दो। जब पार करा रही थी इतने में ये जो सत्यवती पार करा रही थी, ये सत्यवती कौन, बोले इस मछली के पेट से उसकी जन्म हुई है। केवट ने जब उसने मछली को पकड़े पेट को फाड़े, ये मछली की पेट से ये जन्म हुई। बोले भैया मछली की पेट से कभी इंसान जन्म लेता है, बोले ये जो मछली किसी ऋषि के अभिशाप से मछली बनी। एक दिन कोई एक ऊपरचरी वस्तु आकाश में उड़ते जा रहा था, उनका रेत स्खलित होते ही वो मछली ने पान की, उसको गर्भ में ये बच्चा जन्म हुआ। इतनी ये सुंदरी थी सत्यवती, अपूर्व सुंदरी, महाभारत देखे होंगे, अपूर्व सुंदरी थी ये सत्यवती। इसलिए जब ऋषि को पार कर रहे थे, ऋषि इनकी देख करके बोले साधारण कोई लड़की नहीं, उनको प्रति दिव्य दृष्टि से देखा तो व्यास देव स्वयं उनकी गर्भ से प्रकट हुए। बोले व्यास देव की जय। अभी वो लड़की तो बड़ी शर्मिंदा में पड़ी गई, उसकी शरीर से मछली की बदबू निकलती थी। बोले अभी मेरी शादी नहीं हुई, अभी बच्चा जन्म हो गया। बोले बेटी चिंता मत करो, ये जो बच्चा है ये पृथ्वी का भविष्य, यही बच्चा बनेगा। क्योंकि आप लोग महाभारत सार देखे होंगे, सारी घटना देखे होंगे, व्यास देव से ही ये पांडु का जन्म हुआ है, व्यास देव से। फिर इनकी गर्भ से कौन जन्म हुए, फिर हमारे धृतराष्ट्र, फिर विदुर, सबके सब जन्म हुए हैं। इसलिए कहते भविष्य में ये जो बच्चा होगा ये साधारण बच्चा नहीं होगा, ये बच्चा इससे विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि होने वाले। और उनको वरदान दिया, तुम्हारे शरीर से जो मछली की बदबू निकलती थी अभी नहीं निकलेगा, तुम्हारे शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलेगा। इसलिए जोजन गंधा इसकी नाम थी, एक जोजन तक इनकी शरीर से कमल फूल की खुशबू निकलती थी। आप महाभारत देखे हो, जो शांतनु महाराज जिनकी खुशबू को देखते देखते आए, पर सत्यवती को साथ में उनकी परिचय हुई है। इसलिए व्यास देव जन्म हुए। ये व्यास देव कौन है, बोले ये भगवान की सत्यावेश अवतार श्री व्यास, ये व्यास नारायण स्वयं व्यास देव जी। उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ देखा, ये कलयुग आने वाले, धीरे 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 इनका बुद्धि ह्रास होते जाएगा। एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित किए, ऋग यजुः श्याम और अथर्व। फिर उन्होंने उपनिषद को बनाया, फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र बनाया, फिर देखा स्त्री शूद्रों को इसमें अधिकार नहीं, इसलिए पंचम जो वेद श्री महाभारत बनाया। लेकिन ये बनाने का बावजूद भी इनको शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन ही बड़े दुखी होकर बैठे हुए थे, फिर भगवत अच्छा श्री नारद जी आए। बोले व्यास लगता है तेरे मन में शांति नहीं। बोले आप तो गुरु हो, गुरु मतलब क्या है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब दिव्य आलोक। जो शिष्य के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके जो दिव्य आलोक जो प्रवेश करा दे। बोले गुरु जी आप तो सब जानते हो, आप तो गुरु हो, आपको तो कुछ अज्ञाता है ही नहीं। मैंने तो जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ बनाया लेकिन मन में शांति नहीं। आप गुरु जी आप ही बताओ क्यों शांति नहीं। उन्होंने बताया देखो बेटा, बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि बर्जा नो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनुवर्णित।
बोले तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को विषय में जितने बढ़ा चढ़ा कर बताया, कैसे पैसा कमाओ, कैसे दान पुण्य करो, कैसे स्वर्ग में जाओ, कैसे भोग करो, कैसे वापस आओ, तुमने यही बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। और कहीं कहीं तुमने ये बता दिया श्राद्ध में ये मांस को भी अर्पण कर सकते हो। तुमने तो साधारण जगत का बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया, लेकिन जीव का जो परम धर्म है भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम, ये बात को तुमने नहीं बोला बेटा, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही। तुमने ये बताया कृष्ण कैसे परात पर तत्व होते हुए भी भक्तों का प्रेम में कैसे वशीभूत हो जाते हैं, सखाओं को प्रेम में कैसे वशीभूत हो जाते हैं, कभी कृष्ण को कभी कभी सखा लोग घोड़ा भी बना देते हैं, है खेलते खेलते अगर कृष्ण हार जाए ना घोड़ा बना जाते हैं। ये गोविंद देव जी कैसे कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी की, मैया कैसे उखल में बांध देती हैं, कैसे ये गोविंद देव रास करते हैं गोपियों को साथ में, राधा रानी कैसे मान करती हैं, कृष्ण कैसे अपना मोर मुकुट उतार कर रख देती हैं, अपना बंसुरी रख देती है। बोले राधे तुमने इतने क्यों मान की, मान तो छोड़ दे, ये जो कवि जयदेव जो राधा माधव है, हैं इसलिए तुमने इस बात भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनाया। बोले नहीं सुनाई। बोले इसलिए तो शांति नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर तुम शांति पाना चाहते हो ये गोविंद देव का कथा को बहुत अच्छे तरह से भागवत में वर्णना करो, और कैसे ये भक्तों का प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं ये बात को अच्छे तरह से वर्णना करो। देखो जितने सुंदर ग्रंथ क्यों नहीं हो, जितने सुंदर अलंकार क्यों नहीं हो, अगर उसमें कृष्ण कथा नहीं हो ना भक्त लोग का आदर नहीं देते हैं। अगर टूटी फूटी बात हो लेकिन उसमें गोविंद देव की कथा हो भक्तों को प्यारा लगता है। इसलिए अगर आत्मा को शांति पाना चाहते हो ये गोविंद देव कथा को दिल खोल करके इनकी कथा को वर्णना करो, फिर तुमको शांति मिलेगी। फिर नारद जी फिर अपना चरित्र कहते, देखो ये जगत में इतना बड़ा मैं संत बना तो बना कैसे, दुनिया में जहां जाओ मेरी पूजा होती है, सारा दुनिया मेरी पूजा करती है, इतने बड़े मैंने साधु कैसे बना, इसलिए बड़े मैं साधु कैसे बना है, मैं ना अपना चरित्र तेरे को बताता हूँ, ये सुन करके हैं इसमें कुछ शिक्षा प्राप्त होकर खड़े हो जाओ। इसलिए मैं अपना आत्मचरित्र को कहता हूँ, इसको तुम ध्यान देकर सुनो। हमारे बीच में एक प्रभु जी है, खड़े खड़े उसको माइक लेकर, हाँ क्यों बैठे करते, देख आपको देख नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं होगा। हाँ हमारे बीच में एक बच्चा है, ये नारद जी का कथा सुनाएगा। ये नारद जी कैसे इतने बड़े भगवान की भक्त बने और जगत में इनका नाम कैसे इतना बड़ा हो गया। ठीक है, बोले श्री नारद बाबा की, जोर से बोला, बोले श्री नारद भगवान की जय। जय श्री राधे निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। अज्ञान्ति निरंकस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय कदभक्ताय नमो नमः। वांछा कल्पद्रुभश्च कृपा सिंधुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदशरथ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदशरथ श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत अनंत को भी दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुप गुरु परंपरा जयुक्त हो सपरिकर श्री गौर हरी सपरिकर श्री राधा गोविंद के चरण में अनंत को भी दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सतीर्थ गुरु भ्राता समस्त भक्त श्रोति मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम लोग श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत व्यासदेव जी किस प्रकार उनको सब शास्त्रों की रचना करने के बाद भी शांति नहीं हुई। नारद जी वहां पर भगवत इच्छा से प्रकट हुए और नारद जी अपना स्वयं का चरित्र बताते हुए कह रहे हैं कि ये कोई शास्त्र की सुनी सुनाई बातें नहीं नारद, मैं अपने स्वयं के अनुभव की बात तुमको बता रहा हूँ।
किस प्रकार पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। अहम भवे अभवम मुने दास्यस्तु कश्याश्चन मुनि वेदिना। यहाँ बता रहे हैं किस प्रकार नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। अभी चतुर्मास के समय पर एक गांव में कुछ संत लोग आए। चतुर्मास के समय पर संत लोग कहीं भ्रमण नहीं करते, एक ही स्थान पर रहकर नियम निष्ठा से अपना व्रत पालन करते थे। अभी देखते ही देखते संतों के लिए बढ़िया पकवान बनना चालू हो गए। मेरी माँ ने देखा, नारद जी स्वयं व्यक्त कर रहे हैं कि मेरी माँ ने देखा अगर मैं संतों की सेवा करूं तो मेरे लिए तो भोजन मिल ही जाएगा और मेरे बच्चे के लिए भी मिल जाएगा। यही देखकर मेरी माँ संतों की सेवा करने लगी। अभी माँ को देखते देखते नारद जी भी 5 साल के बालक थे, उन्होंने भी संतों की सेवा करना चालू कर दिया। यहाँ पर देखो शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव, बताते हैं किस प्रकार माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। अपनी संतान को शिक्षा देने के लिए माता पिता यदि स्वयं आचरण करें तो संतान निश्चित रूप में उसे पालन करती है। संतों को यद्यपि संत तो समदर्शी होते हैं किंतु नारद जी के विशेष गुणों को देखकर संत उनके प्रति बड़े ही आकर्षित हुए, बड़ी उनके ऊपर उन्हें कृपा दृष्टि करी। क्या गुण यहाँ पर बताते हैं, नारद जी बड़े स्थिर मन के थे। यद्यपि 5 साल के बालक थे किंतु वो चंचल नहीं थे, बड़े स्थिर मन के थे। उनका खेल कूद में जिस प्रकार बालकों का मन होता है उस प्रकार के नारद जी नहीं थे। और क्या बात, उनके एक बार गुण था संतों की बड़ी सेवा करते थे और एकदम ज्यादा बोलते नहीं थे, शांत होकर उनकी हरिकथा सुनते थे। संत लोग यदि कहते हैं कि बेटा जरा चंदन घिस दो, बड़े ही रुचि पूर्वक चंदन घिसते। बेटा जरा बागान से फूल ले आओ, दौड़ते दौड़ते जाते ठुमक ठुमक कर फूल लेकर आते। इस प्रकार पूरा मन जो है संतों की सेवा में निवेश कर दिया उन्होंने। धीरे 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 संतों की हरिकथा सुनते सुनते एक दिन उन्होंने सुना कि भक्ति अगर किसी को शीघ्र प्राप्त करनी हो तो उसके लिए 3 उपाय शास्त्र में बताए हैं। क्या? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त भुक्त शेष, 3 साधनीय बल। तो यहीं पर उनके हृदय में भी इच्छा हुई, नारद जी के हृदय में इच्छा हुई कि क्या मुझे भी संतों को उच्चिष्ट प्राप्त करने की प्राप्त होगा, क्या मैं भी इनका उच्चिष्ट ले सकता हूँ। ऐसी भावना करने मात्र से ही उन्होंने संतों से प्रार्थना करी और प्रार्थना करने पर संतों ने कहा कि ठीक है आप हमारा उच्चिष्ट ले लो। उच्चिष्ट लेने मात्र से ही नारद जी यहाँ वर्णन करते हैं कि उच्चिष्ट लेपान ब्रह्म उच्चिष्ट लेने मात्र से ही क्या हुआ, मेरे हृदय के अंदर जो काम क्रोध लोभ सारे अनर्थ थे वो नष्ट हो गए और मेरा हृदय निर्मल हो गया। अब तो मुझे माँ जो सारी बातें कही, माँ यद्यपि मेरा माँ के मन में क्या विचार था कि मेरा बालक है धीरे धीरे बड़ा होगा, इसकी शादी करूंगी, घर में बहू आएगी और मेरा दायित्व तो कम हो जाएगा। किंतु नारद जी यहाँ कह रहे कि मुझे माँ की ये सारी बातें अच्छी नहीं लगे, मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रकार मैं पूरा जीवन इन संतों के साथ में ही रह लूं। अभी चतुर्मास का समय खत्म हुआ। चतुर्मास का समय खत्म होने पर वहां से संत लोग जाने लगे। मैंने बाबा को कहा कि मैं भी मुझे भी अपने साथ ले चलो, किंतु संत लोग कहने लगे कि अपनी माँ से अनुमति लेकर आओ, माँ की अनुमति के बिना हम तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे। यहाँ पर माँ तो जाने नहीं देगी, तो अनुताप करते हुए संतों से प्रार्थना करते हुए जब उन्होंने कहा तो संत उनको मंत्र देकर चले गए। क्या मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो शंकरषणाय च। ये मंत्र देकर और वहां से संत लोग चले गए और नारद जी वहीं पर गांव में रहते रहते जब भी उनके पास समय होता तब इस मंत्र का जाप करते। कुछ समय पश्चात क्या हुआ, भगवत इच्छा से ही नारद जी की माँ एक दिन गौदहन करने के लिए गई और वहां पर सांप के ऊपर जब पैर पड़ा तो सांप ने उनको डस लिया और माँ के प्राण छूट गए। नारद जी बताते हुए कह रहे हैं मुझे हृदय में थोड़ा दुख भी हुआ किंतु उल्लास भी हुआ कि एकमात्र बंधन का कारण था ये मेरी माँ, वो भी आज मर गई। संत नारद जी ने तो वहां पर बिल्कुल विचार न करते हुए और उत्तर दिशा की ओर गमन किया। संत मान लो यहाँ पर नारद जी जब जा रहे हैं भगवान स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं और रास्ते में उनको इतने सारे प्रलोभन दिखे। कभी रास्ते में चलते हुए एक बड़े ही धनाढ्य सेठ सेठानी थे, उस 5 साल के सुंदर बालक को देखते हुए कह रहे हैं कि बेटा तू हमको एक बार वो माँ बोल दे, हमको बाबा बोल दे, हमारी गोद में बैठ जा, हमारी सारी धन संपत्ति तेरे लिए हम नछावर कर देंगे। नारद जी कहते हैं कि उन माँ के यद्यपि मैं बहुत छोटा बालक था किंतु उस माँ के स्नेह को छोड़ के मैं आगे बढ़ गया। रास्ते में गया एक हाथी स्वर्ण कलश लेकर घूम रहा है, जिसके ऊपर वो स्वर्ण कलश का पानी डाल देगा वही उस राज्य का राजा बन जाएगा। मुझको चुना गया लेकिन मैंने वो राज्य का प्रलोभन भी हटा दिया। आगे जाकर देखा
एक स्वर्ण की खान थी, उस खान को भी मैंने छोड़ के और आगे बढ़ने लगा। एक सुंदर सरोवर मैंने देखा जहां पर चार रंग के कमल पुष्प सुशोभित थे। वह उसी सरोवर का निर्मल पानी मैंने पान करके और एकाग्र चित्त होकर एक वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया। और संतों ने जो मुझे मंत्र दिया था उसी मंत्र का मैं जप करने लगा। धीरे 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 मंत्र का जप करते करते जब मेरे हृदय एकदम शुद्ध हो गया तब उस समय पर भगवान की एक झलक मुझे दिखाई दी। यहाँ पर देखो ये नारद जी का चरित्र जो है, टीकाकार कहते हैं ये नारद जी का चरित्र नहीं, ये एक साधक का जीवन है। किस प्रकार साधक प्रथम में साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति ये क्रम क्रम जो बता रहे हैं भक्ति के अंदर अनेक अनेक सोपान होते हैं। यहाँ पर नारद जी को जब भगवान का दर्शन हुआ वो थे भाव अवस्था में, वो थे भाव अवस्था में। भाव अवस्था क्या है? भाव अवस्था है प्रेम का अंकुर, अर्थात प्रेम से पूर्व वाली अवस्था जो है, जब हृदय में भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम आ जाए तो वो प्रेम अवस्था होती है। किंतु उससे पहले की स्टेज बताई है वो है भाव अवस्था। तो नारद जी यहाँ पर भाव अवस्था में जब थे तब उनको ठाकुर जी का एक बार दर्शन हुआ, और दर्शन हुआ और उसके बाद में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी तो एकदम विचलित हो गए, बोले यदि दर्शन ठाकुर देना था तो पूर्ण रूप में दर्शन मुझे दिया होता, एक बार दर्शन देकर आप अंतर ध्यान क्यों हो गए? तो यहाँ पर एक उदाहरण देकर बताते हैं टीकाकार कि मानो कोई जेठ की गर्मी से बड़ी धूप से आया हो और उसको एक घूंट पानी पिलाया, शरबत पिलाया और उसके बाद में हटा दिया, तो क्या होगा? उसकी पीड़ा शांत होगी ना और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही नारद जी के साथ में हुआ। यहाँ पर बता रहे हैं कि अविपक्व कषाय नाम दुर्दशो अहम कुयोगी नाम, यहाँ बता रहे हैं कि नायक तो नारद तुम कुयोगी नहीं तुम सुयोगी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ठाकुर का दर्शन तो हुआ है किंतु क्या तुम्हारे कुछ कषाय रह गए हैं, इसी वजह से तुम्हें अभी मेरा पूर्ण दर्शन इस जन्म में नहीं होगा। फिर यहाँ प्रश्न करते हैं कि ठाकुर ने फिर दर्शन क्यों दिया? तो भक्त के हृदय की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ही ठाकुर ने एक झलक दर्शन दिया और उसके बाद में वहां से चले गए। यही भाव अवस्था में यही होता है। किस प्रकार भाव अवस्था के अंदर कभी कभी ऐसा होता है ठाकुर जी उनके मधुर मुरली के शब्द सुनाई देता है, कभी कभी ठाकुर जी स्वयं अपना प्रसादी तांबूल भक्त को आस्वादन करवा देते हैं, कभी ऐसा होता है ठाकुर जी मानो उनको स्पर्श किया हो, कभी ठाकुर जी को अर्धामृत पान करवाते हैं। तो ये भाव अवस्था में यही सब होता है। भाव अवस्था के अनेक अनेक लक्षण भी बताए गए हैं। बोलते हैं शांति अव्यर्थ कालतम विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वस्ती स्तरे इत्यादयन भाव सुरजाते भावांकुरे जना। इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद की क्या क्या लक्षण है भाव अवस्था में। यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण है, इन लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। वो शांति, उसका मन कभी विचलित नहीं होगा, अव्यर्थ कालतम कभी अपना समय इधर उधर की चीजों में नष्ट नहीं करेगा, आसक्ति तद गुणाख्याने भगवान की गुण महिमा का गान करने के अंदर बड़ी आसक्ति रहेगी, प्रीति तद वस्ती स्थले भगवान की जो लीला स्थलियां हैं जैसे वृंदावन मथुरा जगन्नाथपुरी नवदीप धाम इन इस स्थानों पर वास करने की स्वाभाविक इच्छा होगी। तो इस प्रकार भावावस्था के लक्षण बताएं और उनको हृदय के अनुताप को और बढ़ाने के लिए ठाकुर ने एक झलक दर्शन दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने पर ठाकुर जी यहाँ पर वेदव्यास प्रश्न करते हैं कि ठाकुर के अंतर ध्यान होने पर आपने क्या किया, उसके बाद का भी वर्णन कीजिए। तब नारद जी बता रहे हैं कि वहां पर मैंने एकाग्रचित होकर फिर भजन किया और फिर जब प्रलय हो गई, जब ये सृष्टि खत्म हो रही थी प्रलय हो गई, तो मैंने भी यह देह यथावस्थित देह को जिस प्रकार एक सांप अपनी केचली छोड़ देता है कांटे में फंस के किस प्रकार सांप की केचली उतर जाती है उसको पता नहीं चलता, इसी प्रकार नारद जी का भी यह यथावस्थित देह छूट गया। पुनः जब सृष्टि हुई तब नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म हुए। अभी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं टीकाकार कि देह सिद्ध प्राप्त होने के बाद में भी भाव सिद्ध बहुत जरूरी है। देह सिद्ध मतलब जो इस प्रकार जैसे दूसरे जन्म के अंदर यदि नारद जी ब्रह्मा के पुत्र रूप में तो जन्म हुए किंतु उनका भाव क्या है, उस भाव की सिद्धि के लिए उन्होंने प्रकट ब्रज में जन्म लिया। वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बाद में गिरिराज जी का आश्रय लिया, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्रार्थना करते हुए श्री वृंदा देवी की कृपा प्रार्थना करते हुए उन्होंने नारद कुंड में वास किया, मानसरोवर में स्नान करते हुए वृंदा देवी आदेश देती हैं कि मानसरोवर में स्नान करो नारद कुंड पर वास करो और गिरिराज जी की तलेटी में वास करते करते ही तुमको क्या होगा, भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का दर्शन होगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन करते करते उनकी जब भाव सिद्धि हुई त
तभी उस प्रकार तभी उस समय भगवान ने अपनी श्रीमती राधा रानी और सखियों के साथ सुशोभित होकर दर्शन दिए और क्या हुआ, देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, कि भगवान राधा रानी ने स्वयं अपनी प्रसादी वीणा मुझे दी। नारद जी यहां वर्णन कर रहे हैं कि यद्यपि ठाकुर का गान करते हुए ठाकुर मुझे दर्शन देते थे, किंतु ये प्रसादी वीणा प्राप्त करने के बाद में जब जब भी मैं इसके अंदर मंत्र देता हूँ और जब जब भी मैं ठाकुर का कीर्तन करता हूँ, ठाकुर बाध्य होकर मेरे सामने मुझे दर्शन देते हैं। पहले थोड़ा नखरे करते थे, किंतु इस वीणा के माध्यम से मुझे सब समय जहां जहां भी मैं गान करता हूँ वहां वहां पर मुझे ठाकुर जी का श्रीमती राधा रानी के साथ में श्री ललिता विशाखा सखियों से सुशोभित ठाकुर जी मुझे दर्शन देते हैं। यहाँ पर शिक्षा देते हुए कह रहे हैं वेदव्यास को कि हे नारद, ये कृष्ण ही इतने दयामय हैं जिनकी इस मधुर मधुर लीला का यदि तुम वर्णन करोगे तो तुम्हें अपूर्ण रूप में शांति मिलेगी। तो नारद जी ने अपने स्वयं का यहाँ चरित्र बताते हुए वहां से चले गए और उसके बाद में व्यासदेव जी वहां पर ध्यान करके और अपने हृदय में इस भगवान की लीलाओं का चिंतन करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री नारद बाबा की जय। हाँ, पीछे पीछे एक मिनट कीर्तन कर लेते हैं। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सब पीछे पीछे मीठी मीठी ताली बजाते हुए देखो, जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए उनने सर्वत्र ही हरिनाम का प्रचार किया। अब सबके सब लोग को हरिनाम करना शुरू कर दिए, लेकिन जो एक पाप था वो पाप बड़ा दुखी हो गया। दुखी होकर के गए ठाकुर जी के पास में, बोले ठाकुर जी आप ऐसे नाम लाए हो, आपका नाम लेकर के सबके सब संसार से उद्धार हो रहे, अभी मेरे को तो कोई स्थान दो। देखो ठाकुर जी ने किया, बोले जब कोई ठाकुर जी का नाम जब कोई करे कहते तो उसका पाप तो उसका सर के ऊपर से उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर, बोले जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं करेगा है, इसलिए वो वहीं पर बैठेगा। इसलिए जब ठाकुर का कीर्तन हो ना, सबके सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए ठाकुर का नाम लेकर करे, और ठाकुर का कीर्तन में अगर ताली बजाओगे तो तुम्हारी भाग्य रेखा बदल जाएगी, जो उल्टा सुलटा भाग्य वो भाग्य रेखा बदल जाएगी तुम्हारी। इसलिए जोर जोर से ताली बजाते हुए कीर्तन करो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे जय जय राधे, जय जय राधे, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। वृंदावन में कुंज में दान गली में बोल मा
आन घाट में आन गाँव में संकर्षण कुंड पे कुंजरित लौटा अगोविंद कुंड में अप्सरा कुंड में अनबल कुंड में परास मंडल पे असुर भी कुंज में आनर गाँव में उद्धव कुंड में राधा कुंड में अश्याम कुंड में अनारद कुंड पे कुसुम सरोवर बल रत्न विधि में बल ग्वाल पोखर पे चकलेश्वर में मानसी गंगा बोल श्री हरि देव में बोल राधे 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 प्रेम से बोला कमल बोला जोर से बोला आवाज नारी मुंह तक खोला अरे मुंह तक खोला जोर से बोला राधे 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 भक्ति जोगेन सम्यक प्रणहीतामले अपश्यं पुरुषं पूर्णं मायांच तद अपाश्रयम्। जब श्री नारद जी चले गए श्री व्यास देव जी भक्ति योग समाधि को द्वारा जब समाधिस्थ हुए बल अपश्यं पुरुषं पूर्णं उनने पूर्ण पुरुष श्री गोविंद देव को दर्शन किया। क्या अकेले गोविंद देव को? बोले नहीं, उनको बाम पार्श्व में श्री किशोर जी हैं जैसे राधा गोविंद, फिर अष्ट सखियों के साथ में, फिर नंद बाबा मैया जसोदा और वृषभानु महाराज ग्वाल बाल सबको उन्होंने दर्शन किया। जैसे उदाहरण देते हैं बोले जैसे हमने चंद्रमा को देखा, क्या कल चंद्रमा को देखे, आकाश को भी देखे होंगे, उसका मंडल को भी देखे होंगे, तारे भी देखे होंगे। इसलिए उन्होंने गोविंद देव का दर्शन पूर्ण गोविंद मतलब उनका धाम समेत उनने सब कुछ दर्शन किया। दर्शन करके उन्होंने ये भागवत ग्रंथों को उन्होंने रचना की। जब रचना की देखे ग्रंथ तो बड़े सुंदर बन गया, लेकिन इसको पढ़ाई किसको? लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी जिनको बेटा था उपयुक्त, तो वो तो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी बन करके चला गया। तब व्यास देव के चार ही चेले थे, बोले देखो चेलो मेरे एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, आपको वापस ला सकते हो? बोले गुरुजी जंगल में तो बहुत सारे तोते, हमें क्या पता आपका तोता कौन? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम चारों को चार ही मंत्र सिखा देता हूँ। ये मंत्र सुन करके जो अपने आप पकड़े में आएगा ना, ये समझो मेरे वही तोता। उनने पहला चेले को उन्होंने सिखा दिया, बोले बरहा पिडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत बास कनक कपिशयम् भई जयंती चमालम रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयन गोप बृंदई बृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति। मतलब ये गोविंद देव कितने सुंदर है? पहले श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान को निराकार निराकार मानते थे, लेकिन जब उन्होंने गोविंद देव का सूरत को सुनाई ना, गोविंद देव इतने सुंदर हैं, कहते ना बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। इसलिए जब उन्होंने बांके बिहारी गोविंद देव इतने सुंदर है, जिनके सर पर मयूर पंख है, गले में सुंदर माला धारण करके रखे, शरीर में बड़े सुंदर पीताम्बर, पीताम्बर क्यों धारण करते हैं? राधा रानी का अंग का रंग पीतवर्ण, इसलिए राधा रानी का प्रति विशेष प्रेम को।
इसलिए कृष्ण सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, इसलिए राधा रानी कभी कहती हैं अगले जीवन में तो और मैं राधा ही नहीं बनकर के आऊंगी, आऊंगी तो ये बंसुरी बनकर के। बोले क्यों? बोले कृष्ण ये बंसुरी को कभी छोड़ते ही नहीं, देखो कभी कमर में कभी अधर में, और गिरिराज गोवर्धन जब धारण किया ना सीधा खड़े, लेकिन जब बंसुरी बजाते हैं पता नहीं बंसुरी में कितना भोजन, वो तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं, हाँ तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं, पता नहीं ये बंसुरी हमें तो अंगूठा दिखा दिखा करके सारे रस यही बंसुरी ही पान करता है सारे रस को। इसलिए चलो ये पौर्णमासी से प्रश्न करेंगे, ये बंसुरी पूर्व जन्म में इसे कौन सा पुण्य की थी जो इसी जीवन में बंसुरी बन करके आई। इसलिए राधा रानी कहती हैं मैं अगली जीवन में ये बंसुरी बन करके आएंगी। देखो मेरे तरफ में देखो राधा रानी क्या कहती हैं, कृष्ण ये बंसुरी को कितने सौभाग्य प्रदान करते हैं। आप लोगों ने गोविंद देव को देखे हो? कौन कौन गोविंद देव को देखा? हाथ उठाओ तो, सबके सब देखे हो। वो कैसे खड़े हुए बंसुरी बजाते हुए ना? देखो राधा रानी उदाहरण देती हैं, जैसे एक राजा महाराजा की जैसे सेवा करते हैं, राजा महाराज क्या करते हैं डल्लभ गद्दी के ऊपर सोते हैं, कहते मानो कृष्ण का दो अंगुल के ऊपर बंसी नहीं, अंगुल नहीं मानो ये डल्लभ गद्दी है, तकिया कृष्ण का अधर के ऊपर रखते हैं, जैसे तकिया होता है ये बंसुरी को अधर पर रखते हैं ना, मानो ये तकिया का काम करता है, फिर अंगुल चलाते हैं, बोले अंगुल नहीं चलाते हैं, जैसे एक राजा की चरण कोई दबाता है। इसलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं बंसुरी की चरण को दबा रहे हैं, कान में कुंडल, कुंडल देखना कैसे छतरी जैसे, मानो ये बंसुरी की सर के ऊपर छतरी धारण करके रखे, और उनका आंखों का पलक झपती, पलक नहीं जैसे उनको पंखा झुलाते। इसलिए कृष्ण ये बंसुरी को कितने सौभाग्य देते हैं। इसलिए राधा रानी कहती हैं कृष्ण क्या करते अपना अधर रस को, बंसुरी एकदम पोला खोला होता है, मानो अपना अधर रस को उन्होंने पूरा बंसुरी में भर देते हैं। और कृष्ण का अधर कैसे बिंब फल जैसे बड़ा सुंदर है, लेकिन ये सारे अधर रस को यही पान करते करते देखो गोविंद देव का अधर कैसे नील बढ़ गया, मतलब सारे रस को इसने पान कर ली। इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी कहती है कृष्ण कितने सुंदर है। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, ये पृथ्वी भी गोविंद देव का चरण को स्पर्श करके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे घास नहीं जैसे किसका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो झरना नहीं जैसे प्रेम से आंखों से आंसू जैसे विसर्जन हो रहा है। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में प्रवेश करते हैं सारे सखा कन्हैया का जयकार देते हैं, बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक सुने ना हमारे गोविंद देव कितने सुंदर, वो जो ब्रह्म ध्यान कर रहे थे निकल करके आ गई, बोले भैया ये श्लोक तुमको कहाँ से मिला? बोले हमारे गुरुजी बोले कहीं मेरे के तोता उड़ते हुए चला गया, और बोले इसको पकड़ करके लाओ। हमने कहा कैसे पता चलेगा? बोले ये मंत्र सुन करके अपनी आप जो आ जाए समझना ये तोता। बोले भैया मैं भी वही तोता हूँ। बोले वो देखने में तो बड़े सुंदर हैं, बताओ तो कहाँ रहते हैं कहाँ पर? फिर दूसरा शिष्य पट उन्होंने दूसरा श्लोक को बोल दिए, बोले जयति तेधिकाम जन्मना ब्रज प्रयत वीरा सदात्रहि दैत दृक्षताम सुता अब का कोई धृता तब स्वांग विचीन थे। बोले रहते हैं वो वृंदावन धाम में रहते हैं। देखो एक उदाहरण देकर समझाए हमें ये गोविंद देव को क्यों भक्ति करनी चाहिए। देखो ध्यान देकर सुनो, कहते ये गोविंद देव को छोड़कर और किसको भक्ति मत करो, यहाँ पर समझा रहे हैं। बोले गोविंद देव क्यों भक्ति करेंगे, और भी तो सारे देवा देवी है। देखो उदाहरण दिया है, जैसे इसी जगत में जैसे किसी बेटी को अगर कहीं अगर शादी कराना चाहते हो सबसे पहले क्या देखोगे? वो बेटा का उसका पर्सनालिटी कैसे, भले ही कोई चीज को मत देखा करो, वो बेटा देखने में कैसे सबसे पहले ये चीज देखो देखोगे ना, देखा बेटा बड़ा सुंदर बेटा है। इसलिए गोविंद देव जैसे इतना सुंदर जगत में कोई है क्या? नहीं। इसलिए गोपियाँ कभी कभी ताना मारती हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की,
अच्छा हुआ भगवान तेरे को लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया, तू इतने सुंदर है ना, अगर तू लाली बनता तो विश्व ब्रह्मांड में जितने क्षत्रिय आपस में लड़ करके मर जाते सबके सब, इतने सुंदर है। इसलिए गोविंद देव इतने सुंदर कहते सख्यात मनमत के मनमत। इसलिए उद्धव जी स्वयं कहते हैं भूषणांग भूषणांग में भूषण को जो भूषण देने वाले श्री गोविंद देव हैं। फिर देखोगे बेटा तो बड़ा सुंदर है, दूसरा नंबर क्या देखोगे भैया कोई कमाई धमाई कर रहा है कि नहीं है, ऐसे नहीं बेटी को थोड़ी पैसे दे दोगे, सबसे पहले देखो कितना सैलरी उसका, पैसा कितना कमाते हैं। कहते गोविंद देव का घर कहाँ, बोले वृंदावन में। कैसे, बोले चिंता मणि प्रकर सदम जहाँ भूमि, चिंता मणि जहाँ जो मांगोगे वही दोगे, वृक्ष जहाँ की कल्प वृक्ष है जो सोचोगे वही देने वाले, जहाँ एक लक्ष्मी नहीं जहाँ पर करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ जहाँ झाड़ू लगाते हैं से वृंदावन धाम में हैं, लक्ष्मी जी की चरण की सेवा करती हैं। कहते अगर बेटी को शादी दोगे ना, बेटी राजा की हाल में रहेगी, रानी की हाल में रहेगी, बेटा हो गया खूब पैसा कमाता है। फिर तीसरा क्या देखोगे उसका परिवार कैसे, उसका सास ससुर ननद सब जेठ कैसे बनेंगे, ऐसे नहीं खूब लड़ाकू होंगे तो फिर घर छोड़ के चली भाग जाएगी। इसलिए तीसरा प्रश्न कहते तो उसका परिवार क्या, उसका नाम क्या है। तीसरा चला फिर तीसरा श्लोक बोल दिए, क्या श्लोक बोले, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहती जो गोविंद के उसका माँ का नाम यशोदा, यशोदा मतलब जो सास है ना सबको जो आदर देने वाली जस देने वाली। पिता बोले नंद, नंद मतलब कहते ना नंद के आनंद भयो, इसलिए जो पिताजी नंद है वो सबको आनंद देने वाले। बोले भैया, बोले दाऊ दयाल, दाऊ कहते ना दाऊ दयाल, बलदेव प्रभु बड़े दयाल, उनका जो जेठ है ना बहुत अच्छे आदमी। बोले वाह परिवार तो बहुत सुंदर है, देखने में सुंदर, पैसा की कमी नहीं, परिवार। चौथा चीज सबसे महत्वपूर्ण है कहते उसका नेचर कैसे, ऐसे नहीं दिन भर पी पा करके पड़ा नहीं रहता था, और ऐसे नहीं बात बात पर था डंडा उठाकर पिटाई तो नहीं करेगा, उसका स्वभाव कैसे है। अगर देखने में सुंदर हो पैसा सब कुछ हो लेकिन अगर नेचर अगर बुरा नेचर होगा तो क्रोध करता है पिटाई करता है शराब पी कर पड़ा रहता है। जितना सुंदर हो आप बेटी को दोगे नहीं दोगे, बोले भैया तेरी सुंदरता पैसा तू अपना पास में रख हमें जरूरत नहीं। इसलिए उन्हें चौथा लक्षण पूछा उसका क्या गुण क्या है उसका स्वभाव क्या। चौथा चलाने चौथा श्लोक बोल दिए, बोले अहो बकियम स्थन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाधि लेभे गतिम धातु चितम गत्वन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। बोले जो गोविंद देव इतने दयालु है, जो पुतना स्तन में कालकुट जहर लेकर के मारने के लिए आई थी, राक्षसी बच्चों को खून पीने वाली इतने दुष्टा थी, लेकिन यहाँ हमारे जो गोविंद देव इतने दयालु। बोले गुण अवगुण प्रभु देखो ना कहूँ, ठाकुर किसका अवगुण का प्रति नजर नहीं रहता है, उसका अंदर में जो गुण है ना उसको प्रति नजर देते हैं। पुतना केवल एक सेकेंड के लिए उसने थोड़ी नाटक की, क्या नाटक की, बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झूला कर रखते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। इतने केवल नाटक की ठाकुर कहाँ स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन में मैया जसोदा की अनुगत्य में जो धाई मैया रहती हैं उनका पद कृष्ण ने दे दिया। इतने दयालु, इतना सुनते ही श्री सुखदेव गोस्वामी हाथ उठा करके बोले कम बा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे गोविंद देव को छोड़ करके और किसका भजन करोगे। इसलिए भजन कर दो श्री गोविंद देव का भजन करो। बोले श्री गोविंद भगवान की। इसलिए ये जो कथा है भागवत का जो वक्ता है, अभी दूसरी कथा आती है भागवत का श्रोता कौन है। बोले जदा मृद कौरव संजयानम, जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, अभी श्रोता की कथा आ रही है। श्रोता कैसे, वक्ता भी मुक्त महापुरुष सुश्री परम ब्रह्मज्ञानी, श्रोता भी कम नहीं। जिस समय महाभारत युद्ध हो रही थी, देखो कभी कभी हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है, जानते हो महाभारत किसी कारण को लेकर के हुए, दो कारण को, कितना कारण को, क्या कारण है। पहला कारण है द्रौपदी ने थोड़ा जीवा चला दी, बोला अंधा का बेटा अंधा होता है। दूसरा कारण क्या था,
दूसरा कारण ये था, दुर्योधन चाहता था ये पांडव को कुछ भी नहीं मिले, सब मैं हड़प लूं। ये दो चीज से महाभारत हुआ। कभी कभी हमारे घर में भी इसी कारण से महाभारत होता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे, देखो सब चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी बैठे, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं है। किस में नहीं है? जीभ में नहीं। इसलिए हर्ष में लपर 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 करता है, कुछ ना कुछ बोलना चाहेगा, इसलिए इसका कंट्रोल नहीं है। इसलिए द्रौपदी थोड़ी सी जीवा चला दिया ना, अब देना घर में भी यही होता है, कुछ नहीं हुआ, कोई मारपीट कुछ नहीं, बस ये जीवा कैसे गलती से थोड़ा खिसक गया, स्लीप हो गया, बस उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे किया, बस फिर तो घर में बिना कारण के लड़ाई होता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं भैया एक एक लाख हरिनाम करो, महाप्रभु तो एक एक लाख हरिनाम करो, एक लाख हरिनाम करने 6-7 घंटा लगेगा, अगर एक लाख हरिनाम करोगे तो तुमको उल्टा पुल्टा बोलने का समय कहाँ है, भजन ही करते रहोगे। इसलिए क्यों इधर उधर बात करते, एक एक लाख हरिनाम करो ना, ज्यादा अगर बोलना हो भगवान का नाम जप करो, है। और दूसरा कारण, दुर्योधन चाहता सारे संपत्ति का मालिक मैं बन जाऊं। इसलिए जब ये महाभारत युद्ध में अंतिम निरानवी भैया खत्म, दुर्योधन अपना माँ को पास में, बोले माँ मेरे को आशीर्वाद दे दे। गांधारी बोले सवेरे जैसे तुमने जन्म लिया था वैसे आ जा, मैं जो पट्टी बांध करके जन्म से मैं शादी से ही रखा, मेरे अंदर में सारे सत्वत्व है, मैं आँख खोल दूंगी तो दिव्य दृष्टि से देख लूंगी, शरीर वज्र हो जाएगा। कृष्ण देखा गड़बड़ी हो गया, बोले क्यों क्यों गड़बड़ी हो जाएगा, अगर ये दुर्योधन अगर शरीर वज्र बन गया तो फिर ये युद्ध से पहले मैया कुंती ने अपना पंच पांडव को लेकर के आई, बोले कृष्ण मैं अपना 5 बेटे को मैं तेरे को हवाल कर रहे हूँ, तो मेरे 5 बेटे को रखा करना। कृष्ण प्रतिज्ञा की, बोले बुआ जी विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगी, लेकिन ये 5 पांडव का एक बाल भी भंका होने वाले नहीं। कहते ना जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी होई। इसलिए कोई चिंता मत करो, कृष्ण देखा गड़बड़ी हो रहा है सबके सब। इतने में वो पूरा सवेरे सवेरे एकदम स्नान करके विवस्त्र होकर के आ रहा था, कृष्ण झट प्रकट हो गए, शर्मिंदा भी पड़ गया, बोले दुर्योधन ही क्या विवस्त्र होकर कहाँ जा रहे, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले थोड़ा शर्म तो रखा करो, तेरे पास शर्म का, तू कब से शर्म को छोड़ चुका है। अरे मैया बोल दिया, बोलते कर तुम अभी छोटे बच्चे दूध पीने वाले थोड़ी बच्चे, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हो गए और विवस्त्र होकर के जा रहे हो, अगर ठाकुर जी की इसका बुद्धि को बदलाना चाहते बुद्धि बदलेगा नहीं, बोले बात तो सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने केले की पत्ते से कच्छा पहन कर गया और उन्होंने जब पट्टी खोल कर देखा सारा शरीर वज्र हो गया पूरा के पूरा। बोले तेरे को कहा था तुम जन्म का समय में जैसे जन्म लिया वैसे आने के लिए, बोले मैया तो मैं ही आ रहा था, पता नहीं कृष्ण बीच में कहाँ से आ गए। बोले बेटा उसके इच्छा के बगैर ना के पता भी नहीं हिलता है, उसका जो इच्छा वही होने वाली, तेरा सारा शरीर तो वज्र हो गया लेकिन जितने जगह पर कच्चे पहने हो वही केवल कच्चा रह गया। बोले मैया कोई चिंता मत करो, अंतिम जो युद्ध हमारे गदा युद्ध होगा, गदा युद्ध का नियम है कमर से नीचे प्रहार नहीं करनी चाहिए, कोई चिंता मत करो, वो अंतिम युद्ध में उसका शरीर तो वज्र हो गया, भीम किसी तरह से मार नहीं पा रहा था, कृष्ण दूर से इशारा किया, बड़े भैया जंघे को ऊपर मार, जंघे को ऊपर मार, भीम गदा घुमा घुमा कर मारा उसका जंघे को ऊपर में, तोड़ करके वहीं पर गिरा दिया। इतने में बलदेव प्रभु का क्रोधित होकर के बोले मैं तुमको यही सिखा दिया। इतने में कृष्ण बीच में आ गए, बोले भैया अब भी अन्याय दिख रहा है, ये कितने अन्याय किया, बचपन में भीम को 20 का लड्डू खिला करके मार फेंक दिया था, इसने जतु गृह में यही आग लगाया था, वस्त्र हरण द्रौपदी को इसने करवाया, और अभी अभी युद्ध से पहले के नियम था एक को साथ में एक लड़ सकते हैं, लेकिन ये सप्तरथी ने मिल करके आपका जो भातीजा जो अभिमन, बताओ अभिमन को प्यार करते थे कि नहीं, बोला मेरे भातीजा था, पता है इन लोगों ने कैसे मारे, कितने बुरी तरह से सप्तरथी मिल करके उसको मारे, केवल इसका ही अन्याय देखा, ये अन्याय दिखा नहीं, इसने भीम भाई ने प्रतिज्ञा किया था जिस जंघे के ऊपर तुम द्रौपदी को बैठाना चाहते हो घोर युद्ध में, तेरे जंघा तोड़ूंगा, कब छोड़ेंगे, अभी नहीं तोड़ेंगे तो कब तोड़ेंगे। इसलिए ये दुष्टों को ये सजा भोगना था, और जय किसका, धर्म का जय होना था, इसलिए जता धर्म तथा जय। इसलिए लास्ट में अभी पड़ा हुआ
युद्ध भूमि में शाम हो गया, उसको सब छोड़कर चली गई। जब शाम हो गया, गृध सियाल कुत्ते सबके सब उसको खाने के लिए आ रहे थे, कोई नहीं, गदा घुमा घुमा करके उसको रक्षा कर रहा था। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, दुर्योधन युवराज था, कितने बलवान, कितना नाम था, लेकिन अभी मरते समय कोई रक्षा करने वाले नहीं, गृध कुत्ते उसको खाने के लिए आ रहे, कोई बचाने वाले नहीं। शिक्षा देते हैं जो कृष्ण विमुख होते हैं, गोविंद देव से जो विमुख होगा उसका यही दुर्दशा है। इतने में अस्वस्थमा आए, बोले बताओ अंतिम इच्छा किया है। बोले आश्चर्य की बात है, हम पांचों को 100 के 100 भाई मारा गए, लेकिन पांडव का एक बाल तक भी बंका नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ अंतिम समय में पांडव का एक का मृत्यु देख लूँ ना, चैन से मर लूँ। देखो कितने दुष्ट है, मर रहा है और क्या कह रहा है, पांडव का मृत्यु देख कर जाए। उन्होंने खून से उन्होंने तिलक लगा दिया, उसने गया जा करके शिविर के अंदर में प्रवेश करते हुए कृष्ण पंच पांडव को लेकर बाहर चले गए थे। उन्होंने पहले तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें धृष्टद्युम्न को मारा, उसको बाद में पंच पांडव का जो बच्चे थे उनका सर काट करके ले आया। उनको पता नहीं चला, सोचा शायद यही पंच पांडव। बोले दुर्योधन तुम सोच रहा था एक का मृत्यु देखे ना, सारा जीवन जो तुम लोग काम नहीं कर पाए एक दिन में वो काम कर दिया। बोले क्या किया, बोले पांचों को ही मार करके ले आया। दुर्योधन का वरदान था वो तभी मरेगा, हर्ष और शोक जब ये दोनों अवस्था में मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। वो इतना खुश हो गया, बोले पंच पांडवों को मार करके सर ले आए। बोले हाँ, बोले भीम का सर दे, क्योंकि अकेले मेरे सारे भाइयों को मारा, सबसे जो बड़ा सर था ना भीम का बेटा, जब दे दिया बड़ा जोर से दबाया तो एकदम पीस गया। बोले ये कभी भीम का सिर नहीं हो सकता, कितने मैंने गदा प्रहार की, टस से मस नहीं हुआ और दबाते पीस गया कैसे, बिजली चमकी तो देखा उसका बेटा का सिर। इतना दुखी हो गया, बोले तुम्हारे सारे वंशों को खत्म कर दिया, बैरी पांडवों से था, उनको बच्चे से नहीं, उनका बच्चे हमारे बच्चे हैं, अभी मरने के बाद हम पिंड देने वाले भी कोई नहीं रह गए, हमारे वंश को तू खत्म कर दिया, तू भाग जा यहाँ से। अस्वस्थ माने देखा अभी अर्जुन जिंदा, अभी मेरे को छोड़ेगा नहीं, भागा। इतने में सवेरे होते ही जब अर्जुन को पता चला, द्रौपदी को पता चला, छात पीट पीट करके रो रही थी। अर्जुन बोले कोई चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने तेरे बच्चों का सर काटा है उसका सर काट करके लाऊंगा, तुम पीढ़ी बना करके उसको ऊपर बैठ करके तुम बच्चों का तर्पण करना। उसको पीछा किया, जहां कृष्ण सारथी कितना दूर जा सकता है, वो जहां जाए अर्जुन। इतने में देखा अर्जुन से बचना बड़ा कठिन, इतने में उन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसको निस्तेज किया, दोनों बाण को खींच लिया और जैसे जानवर को बांधते हैं ऐसे बांध करके ले आए। लेकिन जो द्रौपदी है ना, ये द्रौपदी है, कितना संत हृदय नवनीत समाना, द्रौपदी तो द्रौपदी है ना। बोले अर्जुन इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, क्योंकि ये गुरु पुत्र है, मेरे को पता है बेटे मरने पर क्या दुख है, गुरु पुत्र जिस गुरु से तुमने सारे अस्त्र विद्या शिक्षा किया, कृपी का बेटा है, अगर ये मरेगा ना वो ब्राह्मणी, अगर ब्राह्मणी किसको अभिशाप देता है कुल समझ ध्वंस हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ दे। इतने में भीम से ने टूट पड़ा, बोले छोड़ दे, ये दुष्ट हमारे वंश को खत्म कर दिया, मैं मारता हूँ, गदा लेकर टूट पड़ा। बोले बड़े दिनों में कृष्ण का चार हाथ काम में आया, दो हाथ में तो भीम को रोक रहे थे, दोनों हाथ से द्रौपदी का पीठ पर हाथ थपथपा करके उसको सांत्वना दे रहे थे। इतने में बोले अर्जुन नियम है, ब्राह्मण जितने बड़े अपराधी क्यों नहीं हो, शरीर से हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते जो देवता जो ब्राह्मण है ये नम ब्रह्मण देवाय, जो गोविंद देव है ये ब्राह्मणों का देवता और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ सृष्टि ये ब्राह्मण है, वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, इसलिए ब्राह्मणों को शरीर से बध नहीं होता है। लेकिन तुमने प्रतिज्ञा की, दोनों काम करना पड़ेगा, कृष्ण का उपदेश तो ऑलरेडी अर्जुन को प्राप्त था, उसने देखा जो मानी व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के बराबर, उसने उसका 5 चोटी बना दी मुड़ मुड़ा करके, जब मणि था छीन लिया, जब छीन लिया अस्वस्थमा को इतना क्रोध आया, इतने बुरी तरह से अपमान की, बोले पांडव को मैं पूरा जीवन समाप्त कर दूंगा। पंच पांडवों के ऊपर 5 बाण मारे, उत्तरा गर्भ में जो
परीक्षित महाराज थे, बोले इनका धरोहर रूप में एक संतान, अगर ये इसको मार दू ना इनका वंश समाप्त हो जाएगा। उनने 6 ब्रह्मास्त्र चलाया, इतने में उत्तरा ने कृष्ण शरण में आ गया, बोले प्रभु मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन पांडव का धरहर रूप में मैं गर्भ में जो बच्चा अगर मर जाएगा तो इनका वंश समाप्त हो जाएगा। कृष्ण उसके गर्भ में प्रवेश किया, गदा घुमा घुमा करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करते हुए उनको रक्षा किया। जब उन्हें जन्म हुए सबको परीक्षा कर रहे थे, बोले जो गर्भ में वो जो गोविंद देव को मैंने दर्शन किया इतना सुंदर वो कहाँ है, वो सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री परीक्षित महाराज पड़ गया। बोले श्री परीक्षित महाराज की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी श्री कृष्ण अभी गए कहाँ पर, अर्जुन कृष्ण को लेकर गए द्वारका में, लेकिन 7 महीना हो गया वापस नहीं आ रहे। इतने में उन्होंने बड़े अपशकुन देख रहा, इतने में देखा अर्जुन को आते हुए सारे चेहरा लटकता हुआ। बोले अर्जुन क्या हो गया, क्या तेरे को कहीं रास्ता में परास्त कर दिया? बोले नहीं। बोले फिर क्या तुम बिना भोजन खिलाए हुए क्या भोजन कर लिया? बोले नहीं। बोले फिर? बोले कृष्ण गोविंद देव ये संसार छोड़ करके चले गए। तब उन्होंने उनकी एक एक महिमा को वर्णन करते हुए रो रहे थे। जब रो रहे थे इतने में मैया कुंती देखा, जब कृष्ण चले गए फिर जीवन धारण करके क्या लाभ है, कुंती भी शरीर त्याग दे दी। पांडवों ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे हम क्यों रहे, इसलिए उन लोगों ने श्री परीक्षित महाराज को राज सिंहासन में बैठाए, बैठा करके और बज्रनाभ को वृंदावन का राजा, हस्तिनापुर को पूर्व में श्री परीक्षित महाराज को सिंहासन में बैठा कर पंच पांडव भी संसार छोड़कर चले गए। एक दिन परीक्षित महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे, इतने में उन्होंने चतुरंगिणी सन्नी को लेकर देखने के लिए गए, मेरे देश में अपशकुन कहाँ। उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा, बोले क्या देखा? बोला एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है, देखा एक 3 प्यार जो बैल का नहीं वो 1 प्यार में खड़ा हुआ, वो दोनों बड़े दुखी, और इतने में एक काला बेस में राजा जो 1 प्यार में खड़ा हुआ जो बैल 1 प्यार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, उसने विष्ठा और मूत्र को विसर्जन करके रो रहा था। परीक्षित महाराज को तो बड़ा क्रोध आया, उन्होंने म्यान से तलवार निकाल करके उसको मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वो था साक्षात कली, वो था साक्षात कली। देखा परीक्षित महाराज से बचना बड़ा कठिन है, उनको पता ये अर्जुन का वंशधर है, अर्जुन का वंशधर में एक विशेष गुण है, अगर कोई इनकी शरणागत तो हो जाए ना वो कभी मारते नहीं, सीधा चरण में लेट गया। तो उन्होंने पूछा गैया को तुम कौन हो? बोले ये पृथ्वी हूँ। बोले क्यों रो रही हो? बोले जिस समय कृष्ण थे जगत में धर्म 4 चरण में रहता था धर्म, उसी समय मैं बड़ी प्रसन्न थी, क्यों? कृष्ण जब चलते थे उनके चरण स्पर्श पा करके मेरे हृदय आनंद में उत्फुल्ल हो जाता था, अभी कृष्ण चले गए अभी कलियुग आएगा, ये कलियुग में लोग सारे अधर्म काम करेंगे, अभी मैं सोच रहा हूँ ये अधर्म को मैं सहन कैसे करूँ, इसलिए रो रहा हूँ। बोले ये कौन है? बोले भैया तुम कौन हो, तुम्हारी क्या दुख का कारण है? देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताए, बोले तुम्हारे दुख का कारण क्या? बोले मैं किसको मैं दुख का कारण बताऊं? सारे दुख का कारण अपना कर्म का फल है, सारे कर्म का हम जैसे कर्म करते हैं हमें ठीक वैसे फल भोगना पड़ता है। हम कभी कभी दूसरों को दोष देते हैं ना, उसकी वजह से ही ऐसे हुआ, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। बोले कोई कुछ के लिए कुछ नहीं करते हैं, हमने अगर नीम का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा? नीम। अगर हमने चीकू का बीज बोएंगे तो कौन सा पेड़ होगा? चीकू। इसलिए जो जैसे कर्म किया है वो कर्म का फल जीव को भोगना पड़ रहा है, हम किसका दोष नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने बताए, इसलिए कभी भी किसकी चुगली नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? इसके कभी किसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। देखो एक स्टोरी सुन लो ध्यान देकर के। बोले एक समय एक राजा राज दरबार में एक साधु भिक्षा लेने के लिए गया, भिक्षा लेने के लिए गया तो राजा क्रोधित होकर बोले काम करे काम नहीं पाते हो, भीख मांगने के लिए आ गया। ले उसने किया क्या, घोड़े का जो लीड उसका झोली में डाल दिया, वो संतल लेकर के चले गए। जब चले गए
एक दिन राजा घूमते घूमते किसी तरह से उसी साधु का आश्रम पर पहुंचे पानी पीने के लिए। उन्होंने देखा पूरा घोड़े का जो लीड है ना एकदम पर्वत आकार में। बोले ये क्या है, ये घोड़े का लीड इतना। तब देखा वही साधु, बोले बाबा ये क्या है। बोले आपको याद होगा एक दिन आपका घर में मैंने भिक्षा मांगने के लिए गया था। बोले हाँ। बोले आप मेरे को क्या दिया था, घोड़े का लीड दिया था ना। जब साधु को कोई चीज देते हो कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा, वो कभी घटेगा नहीं, क्योंकि साधु को दिया ना वो क्या करता है, ठाकुर को सेवा में लगाएगा। ठाकुर को सेवा में कोई चीज लगेगा थोड़ी थोड़ी घटेगी, वो तो बढ़ेगी। देख ये घोड़ा का जो लीड तुमने दिया था एक दिन बढ़ते 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 इतना बड़ा बनेगा तेरे राज्य में घोड़े का लीड के बगैर कुछ रह नहीं जाएगा। बोले हे भगवान। बोले अभी क्या होगा। बोले चरण में पड़ के रोने लगे। बोले बाबा माफ कर दो, मेरी अपराध हो गया, संत बड़े दयालु। बोले अभी मैं क्या करूं। बोले अगर तुम्हारे देश का लोग तुम्हारी बुराई करने लग जाए, चुगली करने लग जाए, जो चुगली करता है इसको, जिसका चुगली करते हैं इसका सारे पाप चुगली करने वाले व्यक्ति में चले जाता है, इसलिए तुम ऐसे कुछ काम करो पूरा राज्य तेरे चुगली करने लग जाए, फिर तो ये पाप से मुक्त हो सकता हूँ। बोले क्या करूँ बताओ। बोले एक काम करो, तुम्हारी की बेटी है ना शादी के लायक। बोले हाँ। बोले तुम सबका सामने, तुम्हारी दरबार को सामने जो एक फूल की बगीचा, उसमें उसको लेकर के एकांत में एक कुटिया बनाकर रहा करो। अभी सारा दुनिया तेरी चुगली करेंगे, चुगली करेंगे तो क्या होगा, सारे तुम्हारे पाप दूर हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। उसने ऐसे किया और घर घर में चुगली। बोले सुना ही राजा क्या कर रहा है, अपना जवानी बेटी को साथ में अकेले में ये बगीचा में रहता है, घर घर में ये चुगली। एक दिन वो देखने के लिए आया आश्रम में, पूरा वो खत्म, लेकिन एक टोकरी अभी है। बोले बाबा ये एक टोकरी कैसे रह गया, सब तो खत्म हो गया। बोले देख तेरे राज्य में एक बूढ़ी माता जी है, वो कभी किसकी चुगली नहीं करती है, दिन भर माला लेकर के बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बूढ़ी माता जी कभी किसकी चुगली नहीं करती हैं, दिन रात भक्ति करते हैं, अब उसकी हिस्सा की अभी बाकी रह गया, अगर वो चुगली कर दे ना फिर ये खत्म हो जाएगा, नहीं तेरे तरफ खाना पड़ेगा इसको। अभी राजा अपना बेस बदला करके माता जी के पास में सवेरे सवेरे पहुंचे, एकदम पूरा बेस बदला करके, जैसे पता नहीं चले राजा, और जा करके देखा सचमुच से माता जी माला लेकर के भजन कर रही थी। इतने में राजा जा कर कहते, बोले माता जी तेरे को पता है वो राजा ने क्या कर रहा है। वो सोच रहे तो जरूर बोलेगा वो राजा अपना बेटी को लेकर रह रहा है, लेकिन इतने में जो बूढ़ी माता जी थी ना बड़ा क्रोध आ गए। बोले महाराज मेरे को पता तू वही राजा, जब वो संत ने तेरे घर में भिक्षा लेने आए थे तुम घोड़े का लीड दिया था ना, मैं अपना भजन का प्रताप से सब कुछ जानता हूँ, ये जो एक टोकरी बाकी रह गया ना वहां पर लीड तेरे को खाना पड़ेगा। मैं किसी को निंदा नहीं करती, चुगली नहीं करती हूँ, मैं तो दिन रात प्रभु का भजन करता हूँ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, काहर ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारीबे कहले। देखो इसको चीज समझो, ये भगवान महाप्रभु कह रहे हैं। बोले भगवान अजय मतलब जिनको जितना बड़ा कठिन है लेकिन किसकी प्रेम में जीत जाते हैं, बोले जो किसी का कभी चुगली नहीं करते, कहर ना करे निंदा, और क्या करते, बोले कृष्ण कृष्ण बोले हर समय जो कृष्ण नाम लेते हैं, कहते जो भगवान को जितना बड़ा कठिन है उनको भी ये जीत जाते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने जब बताया मैं किसकी किसका दोष बताऊं, जीव अपना कर्म का फल भोग करता है, मैं किसका चुगली नहीं कर सकता हूँ, परीक्षित महाराज समय धर्म है, क्योंकि धर्म कभी किसकी चुगली नहीं करता है। इतने में उन्होंने म्यान से तलवार निकाले, बोले कली, बोले ये कौन, बोले साख्यात कली, ये सत्य त्रेता द्वापर तीन युग बीत गया, अभी धर्म का तीन चरण खत्म हो गया, अभी धर्म केवल एक चरण में बाकी है। बोले ये व्यक्ति कौन, बोले साक्षात कली, बोले ये क्या कर रहा है, बोले ये कोशिश कर रहा है कलि युग में
किसी धर्म कर्म को मैं रहने नहीं दूंगा, पूरा समाप्त कर दूंगा धर्म कर्म। परीक्षित महाराज बोले मैं जब तक हूं तुम यहां नहीं रह सकते, भाग जाओ नहीं तो तक खत्म कर डालूंगा। बोले कहां जाऊं? बोले तेरे इच्छा जहां पर चले जाओ। बोले संपूर्ण पृथ्वी में, क्योंकि परीक्षित महाराज चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती मतलब क्या? ये पृथ्वी पहले एक ही था, ये पृथ्वी एक ही था। बोले चक्रवर्ती सम्राट थे। बोले मैं तो जहां जाऊंगा वहीं पर देखता हूं आप धनुष देकर खड़े हुए हो, इसलिए जब सबको अपने स्थान दिया मेरे को भी स्थान दे दो। अभी परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कलयुग का स्थान देने से मेरे देश में लाभ किया, नहीं देने से नुकसान किया। बहुत सोचा, सोच सोच करके देखा, यद्यपि ये कलयुग अधर्म है लेकिन कलयुग में एक विशेष गुण भी है। बोले क्या है? बोले कलेर दोसनिधि राजन अस्ति एक महान गुण। कली तो दोष का आधार है लेकिन एक विशेष गुण है। बोले क्या? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य। अगर कोई कृष्ण का थोड़ी सी कीर्तन कर ले मुक्त बद्ध परम ब्रज, तो व्यक्ति भगवत प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दूसरे दूसरे युग में जो युगधर्म था बड़ा कठिन था, लेकिन कलयुग का जो युगधर्म बहुत सरल है। कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का थोड़ा कीर्तन से जीव को उद्धार होगा। इसलिए उन्होंने बहुत सोच सोच करके बोले भैया कली तू रहो, तेरे को जाने का कोई जरूरत नहीं। क्योंकि ये जो कलयुग है ये कौन सा कलयुग है? कहती ये धन्य कलयुग है। कौन सा कलयुग है? हाँ देखो ये चीज को समझो, कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। क्यों? कलयुग पाप का युग है। कलयुग में कहते प्राप्त कलयुग घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे, सब दुराचार में रत हो जाएंगे। सत्य वार्ता परान मुख, कोई सच नहीं बोलेगा, झूठ बोलेंगे। अपना लड़की को बेचेंगे, अपना स्त्रियों को बेचेंगे, स्त्रियों का संदर्भ में पवित्रता नहीं रह जाएगी, कोई पुरुष का संदर्भ में पवित्रता नहीं रह जाएगी। स्मार्ट फोन को आपको पता होगा कितने भ्रष्ट कर रहा है। इसलिए एक घोर कलयुग में धर्म कर्म कुछ रहेगा नहीं, मारपीट इतना भयंकर। अभी तो कलयुग का पहला चरण है, भयंकर रूप आने वाले। इसलिए उन्होंने देखा, लेकिन ये जो कलयुग है ये धन्य कलयुग, इसी कलयुग में देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, ठाकुर जी हमें भारत भूमि में जन्म दो। सत्य त्रेता द्वापर, सत्य युग को कृत युग मानी जाती है। क्यों? धर्म चार चरण में था, सबके सब धन्य थे। लेकिन सत्य युग त्रेता युग कहते राम राज्य, द्वापर युग साक्षात कृष्ण आए। बोले ये तीन युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहेंगे। बोले कारण क्या? बोले कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे। हर कलयुग में ये महाप्रभु नहीं आते हैं, ये ब्रह्मा का एक दिन में आते हैं। मतलब 1000 जब चतुर्युग चली जाएगा, सत्य त्रेता द्वापर कलि, जब 1000 युग बीते, 1000 बार जब जाएगा एक बार ये कलयुग। इसलिए ये कलयुग में जो जन्म ग्रहण करते हैं सत्य त्रेता द्वापर युग के लोग, सबके सब देवता लोग, सबके सब इंसान रूप में आए। इसलिए जब आप लोग कंठी माला लिए हो ना, आप लोग कोई साधारण नहीं हो, ये भागवत खुद कहता है। जो जो कंठी माला हरिनाम कर रहे हो आप लोग सब सत्य त्रेता युग में किस देवता रूप में जन्म लिए, और इसी जो इसी समय में इस आप संत बने हुए, भागवत स्वयं कहता है। इसलिए उन्होंने देखा, और ये कलयुग में लोगों को ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी ताली बजाते हुए ठाकुर का थोड़ा नाम ले ले तो क्या फल मिलेगा। इसलिए हमारे प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, देखो ये बंगला कीर्तन है, इसका सुन लो। ए मन गौरांग बिना नहीं यार, ए मन गौर बिना नहीं, ए मन गौर बिना नहीं आर, ए मन गौर बिना नहीं आर। ए ना अवतार अबे की होए छे, हे न प्रेम पर चार, हे न अवतार अबे की होए छे, हे न प्रेम पर चार। दुरमती अति पतित पासंडी, प्राणे न मारिल कारे, दुरमती अति पतित पासंडी, प्राणे न मारिल कारे,
हरि नाम दिया हृदय सोधिला, हरि नाम दिया हृदय सोधिला, जाची गिया घरे घरे, जाची गिया घरे। आ ब्रह्मा बीरिंचिर बांछित जे प्रेम जगते फैलील ढाली, ब्रह्मा बीरिंचिर बांछित जे प्रेम जगते फैलील ढाली। कंगाल खाइया खाइला नाचिया, काले पाइया खाइला नाचिया, बजाइया करताली बजाइया करताली। हे मन गौर बिना नाही हारे, मन गौर बिना नाही हार। आपको समझ में आया कुछ? हाँ देखो, इसमें कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे दयालु जगत में कोई है ही नहीं। भगवान राम भी तो आए, लेकिन थोड़ी सी कुछ किया ना, धनुष उठाया लंका खत्म कर दी। कृष्ण भी आए, कोई थोड़ी सी कुछ बोले चक्र उठा लिया, लेकिन महाप्रभु उनका सर भी फोड़ दिया, नित्यानंद प्रभु का, बलदेव प्रभु का। लेकिन कहते भैया भले ही तू एक बार सर फोड़ दिया, लेकिन एक बार तो तुम हाथ उठा करके मेरे प्रभु गौरहरि का एक बार नाम ले, एक बार तुम कृष्ण का तो नाम ले, तुम्हारे सारे पाप का हम मुक्त कर देंगे। इसलिए जो मार खा करके जो प्रेम देने वाले महाप्रभु, किसको जान से नहीं मारे किसको, बोले क्यों नहीं मारे, कारण है उन्हें राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के आई, और राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु। इसलिए यहाँ कह रहे हैं इन्होंने कौन सा प्रेम दिया, बोले जो प्रेम ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जिसको पाने के लिए अभी भी लक्ष्मी कठोर तपस्या कर रही है, लेकिन वो प्रेम को उन्होंने आसानी से, बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, बजाइया कर ताली, कर मतलब हाथ, ताली मतलब ताली, बस थोड़ी सी ताली बजाते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इतना बोल दो बस तुमको प्रेम मिल जाएगी, मतलब इतने आसानी। ए सुंदर गोपाल ऊपर ऊपर अच्छे, यदि बोलते जाए ढेक दा। इसलिए उन्होंने ऐसे दुर्लभ प्रेम दिया, इसलिए जो कली युग है ना, इसलिए परीक्षित महाराज कली को दे दिया, भैया कली तू रहा जिसमें महाप्रभु आएंगे। ये गोविंद देव देखो महाप्रभु की वजह से, उनकी भक्त की वजह से, कहा वृंदावन से ठाकुर जी चलते चलते ठाकुर जी कहाँ आ गए, गोविंद देव रूप में आ गए, जयपुरी में आ गए, गोपीनाथ जी ये यहाँ के सब आ गए। दूसरे दूसरे युग में ना ज़्यादा भक्ति करने वाले लोग बहुत कम होते थे, ये तिलक कंठी माला पहनने वाले बहुत कम लोग होते थे, लेकिन देखो आप लोग कितने संख्या में, देखो यहाँ पर कंठी माला तिलक लगा कर बैठे हुए हैं। इसलिए कलयुग में जो भक्ति आसानी हो जाएगा, ज़्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं कलयुग में, इसलिए उन्होंने कली को स्थान दे दिया। अभी ध्यान से सुनो, इसलिए उन्होंने कली को कहाँ कहाँ स्थान दिया, उन्हें चार जगह पर स्थान दे दिया। मतलब कलयुग में केवल ये चार नियम का पालन कर लो, थोड़ी सी हरिनाम कर लो। उदाहरण देते हैं, जैसे आपको कोई बीमारी, कोई अच्छे डॉक्टर के पास में गए, सचमुच से जो आपको बीमारी सही करना चाहता है, आप क्या करेगा, बोले देखो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, अगर ये परहेज को साथ में दवा लोगे बड़े जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी, हैं बड़ी जल्दी। अगर बगैर परहेज का दवा लोगे जिंदगी भर तक खाओगे लेकिन बीमारी सही नहीं होगी, हैं। इसलिए चार परहेज क्या है, पहला नंबर है जुआ मत खेला करो, क्योंकि जुआ खेलने से धर्म का पहला चरण सत्य ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो जुआरी है ना वो कभी सच नहीं बोलता है, झूठ बोलता है। दूसरा नंबर है पानम, पानम मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत ग्रहण करो, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा फुटका ये सब नहीं लेनी चाहिए, यहाँ तक भी चाय भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चाय में निकोटीन उसमें कफिन डाला हुआ है, हैं इसमें ये भी जहर है एक तरह का। जैसे खाली पेट में हमें क्या पीनी चाहिए, पानी पीनी चाहिए, चाय पीने से क्या होता है गैस्ट्रिक होता है,
उसमें कफीन और निकोटीन डाला हुआ ये चाय में, इसलिए ये नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। इसको लेने से तपस्या खत्म हो जाती है। तीसरा स्त्रियम, स्त्रियों में पाप का निवास। बोले कौन सा स्त्रियम है? बोले अवैध रूप में जो स्त्री पुरुष, पुरुष जो स्त्रियों से मिलते हैं, संसार करो, शादी करके अपना पत्नी को साथ में, अपना सहधर्म को साथ में, धर्म को करते हुए भगवान की भजन करो। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शास्त्र इस चीज को एकदम मना किया हुआ है, यहाँ पर पवित्रता की नष्ट हो जाती है। चौथा जो चीज है, कहते जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस है, मछली है, अंडा है, और ये प्याज लहसुन है। जो प्याज है हम आगे सुनेंगे, ये राक्षस का मांस से, गैया का मांस से ये प्याज की सृष्टि हुई, और उनका हड्डी से ये लहसुन सृष्टि हुआ। इसलिए ये ठाकुर को सेवा में ये चीज नहीं लगती है। नवरात्रि जैसे माताएं करती है ना, देखना 9 दिन तक तो कोई भी ये चीज को कोई ग्रहण नहीं करते 9 दिन तक, इसलिए इसमें पाप का निवास। इसलिए जब उनने कली को ये 4 जगह दे दिया ना, तब भी कली खुश नहीं, बोले मैं कहाँ कहाँ ढूंढते रहूं, कौन जुआ इधर आ सब प्रभु जी, इसलिए कहाँ कौन जुआ खेल रहा है, कोई कौन शराब पी रहा है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं, मेरे को ऐसे एक स्थान दे दो जो एक स्थान में सारी चीजें मिल जाए। फिर उन्होंने स्थान दे दिया सुवर्ण में। कहाँ स्थान दिया? ये स्वर्ण में, पैसा में। क्योंकि देखना अक्सर करके ये जितने अधर्म काम कहाँ पर होता है, जुआ, वैश्या घर में गमन, जहां पर मांस मदिरा कहाँ पर चलता है, जहां पर ज्यादा पैसा है। अभी प्रश्न होता है, भैया पैसा को तो लक्ष्मी कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी, इस लक्ष्मी के में ये चीज निवास कैसे हो गई? आप लोगों को पता होगा लक्ष्मी का वाहन कौन है? बोलो लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू। मतलब जब घर में लक्ष्मी आती है ना, वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है और हमें उल्लू बनाती है, हाँ, इसलिए मूर्ख बनाती है। लेकिन लक्ष्मी की और एक वाहन है, कौन है? कहती है गरुड़ है। अब देखना कभी भी लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर अकेली कभी नहीं बैठेगी, वो नारायण को साथ में बैठती। तात्पर्य क्या है? देखो लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं होता है, पैसा के बगैर कुछ होता है, लेकिन जब लक्ष्मी को हम घर में बुलाए, जब अकेले बुलाए, माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों? बोले तुम कहा भोग करेंगे। लक्ष्मी बोली मेरे को तो भोग करोगे, मैं नारायण का, गोविंद देव का मैं लक्ष्मी हूँ, तो मेरे को भोग करोगी। इसलिए वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती हैं, हमें उल्लू बनाती हैं। लेकिन लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों? लक्ष्मी ठाकुर जी का। बोले लक्ष्मी आपके बगैर तो ठाकुर का सेवा होगी नहीं, इसलिए आप आओ कृपा करके ठाकुर का सेवा के लिए। फिर लक्ष्मी अकेली नहीं आएगी, फिर गरुड़ को ऊपर में नारायण को बैठा करके फिर घर में आएगी, और जहाँ गरुड़ वहाँ पर साक्षात भगवान की धाम। देखना हर विष्णु मंदिर में गरुड़ रहता है, इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों? ठाकुर को सेवा के लिए उसको बुलाया करो, फिर जहाँ ठाकुर की सेवा होगी फिर तो घर नहीं भगवान की धाम बन जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आज कथा का कुछ कितना दिवस हो गया? तीसरा हो गया। देख कल ही चौथा दिन है कल की, कल भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करने वाले, एकादशी कल है प्रभु जी, कल एकादशी है, हाँ सब अब लोग सब एकादशी रखते हो ना, अब लोग तो भक्त। और कल गीता का प्राकट्य दिन है, बहुत अच्छा दिन है हमारे हिंदू धर्म का, जो सर्वश्रेष्ठ गीता, कल ये गीता की प्राकट्य दिवस है। इसलिए फिर भागवत कथा में फिर ठाकुर जी जन्म ग्रहण करके समझ दो 4 चांद लग गया, कितना लग गया, हाँ। अब देखो कल है भगवान जन्म लेंगे, बामन देव भी जन्म लेंगे, सारे भगवान कल जन्म लेने वाले ठाकुर जी। इसलिए मैया यशोदा जब गर्भधारण करती है ना, ब्रज की जितने गोपियां थी 6-6 महीना पहले 84 गज की लहंगा बना कर रखी, चुंदरी बना कर रखी, बोले लाला का जन्म होगा तो हम पहन करके बधाई देने के लिए जाएगी। इसलिए कल आप जितने माताएं हैं आप भी सब 84 गज का लहंगा चुंदरी, और सबके सब पीले रंग के साड़ी पहन कर आना। कौन सा रंग के बोलो? अब पीला नहीं हो तो खरीद करके, नहीं तो उधार करके लेकर बैठना, उधार की जरूरत है नहीं, कोशिश करना अगर पीला रंग हो बहुत अच्छी है, नहीं तो जो साड़ी होगा फिर उसी साड़ी को, अच्छे अच्छे साड़ी को बढ़िया से सज धज करके, गोपियां जैसे आई थी एकदम सज धज करके शादी का सारे साड़ी को निकालना, लहंगा चुंदरी का निकालना, और खराब हो रहा है ना, पहनने का समय नहीं मिलता है, इसलिए उसको निकाल करके कल बढ़िया सज धज करके गोपी भाव से सब कैसे आना, ठीक है? और ठाकुर जी के लिए
खिलौना टप्पी बिस्कुट अगर कुछ ला सकते हो अब ला सकते हो, इसलिए कल टाइम से आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कल हम कथा सुनेंगे। हमारे से सुंदर गोपाल प्रभु जी हाँ थोड़ी सी आपको कुछ उपदेश देंगे, कुछ कथा सुनाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री नंद के। हाँ कोशिश करना कल अड़ोसी पड़ोस सबको बुला करके लाना, कल ठाकुर की जन्म है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक श्लोक आता है जिसे बताया गया है, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इतदम विचिन्त्यते कोश फेरे फे हा हंत हंत नलिनी गज उजारवा। एक भ्रमर मधुपान करते करते क्या हुआ, कमल के अंदर बंद हो गया। अब कमल के अंदर जब वो बंद हो गया, वो मधुपान करते हुए इतना मस्त हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि कब सूर्य अस्त हो गया। और जब सूर्य अस्त होता है तो कमल क्या करते हैं, अपने मुख को बंद कर लेते हैं सूर्य के अनुसार। तो जैसे ही सूर्य अस्त होता है कमल बंद हो जाता है। अब जो उसके अंदर भ्रमर फंस गया, क्या उसमें इतनी शक्ति है कि वो बंद हो गया वो उसको भेद के बाहर निकल जाए, या नहीं है उसमें इतनी शक्ति? नहीं है, नहीं उसमें है इतनी शक्ति। लेकिन वो क्या करता है, उसको पान करते करते उसमें इतना मत हो जाता है, वो क्या सोचता है, रात्रि गमिष्यति कि बहुत जल्दी रात तो निकल जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम और जैसी सुबह होगा सुप्रभात हो जाएगा, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री और जैसी सुप्रभात होगा सूर्य आएगा और फिर ये पंकज खुल जाएगा और तब तक मैं यहाँ पे मत होके क्या करता हूँ, पान करता रहता हूँ और जैसी ये खुलेगा तो मैं यहाँ से उड़ के चले जाऊंगा। इतने में वो पान करते करते इतना आनंद में मग्न हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि पूरी रात पान करूंगा और सुबह यहाँ से उड़ जाऊंगा। उतने में क्या होता है, हा हंत हंत नलिनी गज उजा रहा, उतने में ही वहां से एक हाथियों का झुंड जा रहा होता है अपनी हथनियों के साथ, एक हाथी अपनी हथनियों के साथ। तो उस कमल उस सरोवर में जहाँ पे बहुत सारे कमल है, तो हाथी क्या करता है, जब भी स्नान करने के लिए सरोवर में घुसता है तो वहां से सबसे पहले कमल को उठा उठा के उसको उठा उठा के अपने पैर के नीचे रोंदना शुरू करता है। तो हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड से जो कमल थे उसको उठाया और अपने पैर के नीचे रोंदना शुरू कर दिया और उसकी बेचारी की जो आशाएं थी वो क्या हो गई, वही की वही खत्म हो गई। तो उसी प्रकार से हमें हमारे गुरु वर्ग बताते हैं कि हम लोग भी कैसे हैं, इस संसार में अनेकों आशाएं लगा के बैठे हैं, अनेकों आशाएं, यहाँ तक कि अगर भजन करने के लिए भी आते हैं, साधु संघ में भी आते हैं, साधु का संग भी करते हैं, तब भी जो हमारी वृत्ति है आशाओं की उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए गुरुजी सुनाते थे, एक उदाहरण देके गुरुजी बताते थे कि कथा सुनने पर भी बार बार पूरा जीवन कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, साधु संग करते हैं, तब भी भक्ति में हमारी प्रगति क्यों नहीं होती, क्योंकि जैसे एक नाव है, नाव का जो एंकर होता है उसको अगर हम लोग किनारे से बांध के रखा और नाव को चलाना शुरू करो तो नाव तो वहीं की वहीं रहेगी, नाव तो वहां से हिलने वाली नहीं है। तो जब तक हम लोग अपने हृदय की जो आसक्तियां हैं उसको पूरा कस के पकड़ के बैठे हुए हैं, आशा पात शत शत फिरे मन अविरत मन कभू सुख नहीं पाए, हमारी जो आशाओं की जो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से पूछो तुम्हारी क्या इच्छा है, वो क्या बोलेगा, बहुत सारी लिस्ट दे देगा। एक साल बाद उससे पूछो अगर कोई इच्छा पूरी हो गई और कोई इच्छा है, फिर लिस्ट दे देगा, उससे फिर पूछो फिर लिस्ट दे देगा। यहाँ तक कि व्यक्ति जब मर रहा होता है, श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे जब व्यक्ति बिल्कुल मरने वाला होता है, अपने बच्चे को बुला के बोलते हैं, देख भाई अब तो बस मैं मरने वाला हूँ, मेरे जाने के बाद अपनी माँ का ध्यान रखना, उसको ये पता नहीं मैं खुद कहाँ जा रहा हूँ, ये उसको उसका कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहता है, हाँ इसका ध्यान जरूर रखना। तो आशाएं कभी खत्म होती ही नहीं है और एक व्यक्ति क्या करता है, इन्हीं आशाओं के कारण अनेक अनेक जन्मों में उसको दुख भोगना पड़ता है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये जो मैंने आशा करी है अगर ये मेरी आशा फलवती होगी तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवती कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरी आशा पूरी हो जाएगी तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, मेरे पोते की शादी हो गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अगर नाती की शादी हो गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा,
लेकिन शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत में आता है, आशा ही परमम दुखम, कि जो आप आशाएं कर रहे हो वही किसका कारण बनती है, दुख का कारण बनती है। और हम क्या सोचते हैं कि हाँ मेरी एक आशा पूरी होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इसी आशाओं का ये जो एक डोर बंधी हुई है हमारे हृदय के अंदर, ये जो आशाओं की डोर बंधी हुई है ये कितनी कठिन है बताया, ये ऐसी बंद चुकी है कि खुल ही नहीं सकती। इसलिए संत लोग क्या करते हैं, संत व्यवस्थे छिंदती मनोव्यासन मुक्ति भी, वैष्णव लोग क्या करते हैं, अपनी वाणी रूपी तलवार से हमारे हृदय के अंदर जो आसक्तियां जो आशाएं इसकी जो गांठें बंधी हुई है उसको क्या करते हैं, उसको काटते हैं। उसको काटना पड़ता है, खुलने से वो खुलेगी नहीं, बहुत बद हो चुकी है वो। तो इसलिए भागवत क्या है, भागवत है वांछा कर्तरु। हम जिन जिन वांछाओं को लेके आते हैं वो सारी वांछाएं पूर्ण होती है। तो हमें भागवत से क्या मांगना है, गुरु जी बोलते थे कि भागवत के पास जाओ तो क्या मांगना, गुरु जी बोलते थे कि भगवान के पास जाओ तो भगवान से भगवान को ही मांगना है। और ये जो हमारी अनेक अनेक योनियां, इसी अभी हम दो पैर पे चल रहे हैं, फिर भगवान चार पैर दे देते हैं, छह पैर वाले भी जीव होते हैं, सौ पैर वाले भी जीव होते हैं, हजार पैर वाले भी जीव होते हैं, वो सब भी भागते रहते हैं। किस लिए, इन आशाओं के लिए। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखो पशु पक्षी भाग रहे हैं, किस लिए, अपनी उन्हीं आशाओं के लिए। तो हमें हमारी जो सारी आशाएं हैं वो सारी आशाएं पूर्ण होती है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आके। कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण जगते रघुरु, कृष्ण वांछा कल्पतरु, नाभिकों से भव पारावार। हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, कृष्ण जगते रघुरु, कृष्ण वांछा कल्पतरु। कृष्ण कैसे हैं, वांछा कल्पतरु है। हमारी जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी हमारी वांछाएं हैं, कृष्ण क्या करते हैं, सबको पूरा कर देते हैं। तो प्रश्न है, अभी तो आपने बोला हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं है। हमारी इच्छाएं इसलिए पूर्ण नहीं होती क्योंकि हम लोग जो इच्छाएं करते हैं इस संसारिक वस्तु की, और संसार क्या है, पूर्ण या अपूर्ण, संसार अपूर्ण और संसार क्या है, नश्वर। तो हम जिन भी वस्तुओं की इच्छाएं करते हैं वो सारी नश्वर वस्तु है। और आपने जिस नश्वर वस्तु की आपने प्रार्थना करी है, अगर वो वस्तु मिल जाएगी तो वस्तु का स्वभाव क्या है कि वो क्या है, नश्वर है। तो वो तो नाश होगी ना, फिर क्या होगा, फिर दुख होगा। लेकिन कृष्ण कैसे हैं, वांछा कल्पतरु है, क्या करते हैं, स्वचरणामृत मधुनिया अंध भाव गुचाइया क्रमेण निज अंतपुर। कृष्ण क्या करते हैं, अपने चरणों का अमृत दे देते हैं। और जब कोई व्यक्ति कृष्ण के चरणों का अमृत पान करता है उसकी सारी आशाएं पूर्ण हो जाती है, फिर उसको और कुछ मांगना रह ही नहीं जाता, फिर वो क्या हो जाता है, उन्हीं का बन के रह जाता है। फिर वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं, अब मुझे संसार में नहीं जाना, केहो नाही घरे फिरे। उसके बाद फिर वो व्यक्ति कभी मुड़ के संसार की तरफ देखता नहीं है। तो इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यवान है कि हमें भागवत का जो मूल प्रतिपाद्य विषय है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, उनके जो रसिक भक्त हैं, उनके मुख से हमें कथाओं सुनने का अवसर मिल रहा है। किस प्रकार से अगर हमारे हृदय के अंदर, गुरुजी बोलते थे भागवत का फल क्या है, तुम्हारे हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति एक मूड ऑफ सेपरेशन आ जाए। मूड ऑफ सेपरेशन को हिंदी में बोलेंगे बेरे का भाव। जैसे इस जगत में बेरे का भाव है कि मेरे को धन मिल जाए, यश मिल जाए संसारिक वस्तु के प्रति, अगर वही कृष्ण के प्रति उत्पन्न हो जाए, यहाँ से जाने के बाद मन में एक ऐसी अग्नि जल जाए कि हाँ मुझे कृष्ण के दर्शन कब होंगे, मुझे कृष्ण की बजरी कब सुनाई देगी, कब मैं ब्रजवासियों के दर्शन कर पाऊंगा, कब मैं कृष्ण की सुंदर मधुर लीलाओं को श्रवण कर पाऊंगा, उसको साक्षी कर पाऊंगा, उनकी सेवाएं कर पाऊंगा, हृदय में इस प्रकार के अगर भाव जागते हैं तभी समझना कि हमारा भागवत सुनना क्या हुआ, वास्तविक में सफल हुआ। तो इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे आरती आरती सनातन और कमाई बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Yeah.
Thank you.
Thank you.
गोविंदा।